जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम मंगल दशरथ अजर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जहि विधि नाथ होए हित मोरा जहि विधि नाथ होए हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा दीन दयाल बिरत संभारी दीन दयाल बिरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम सादर शिव ही नाई अब माथा सादर शिव ही नाई अब माथा वरनहु बिशद राम गुण गाथा सादर शिव ही नाई अब माथा वरनहु बिशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सदानंद माता जय गज बदन सदानंद माता जगत जननी दामिनी युति गाथा जय गज बदन सदानंद माता जगत जननी दामिनी युति गाथा गुरु पितु मातु महेश भवानी गुरु पितु मातु महेश भवानी बोलिए सर
सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब देवन की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, सब पितरन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को पुनश्च प्रणाम करते हुए, आज मंगलवार का पावन दिन है और कथा का चौथा दिन है और श्रीमद् भागवत में भी और रामायण में भी चौथे दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा रहती है। भगवान की चार परिक्रमाएं मानी जाती हैं और एक बड़ी बात यह है कि अयोध्या जी में भी जब श्री राम का जन्म हुआ तो उस दिन भी मंगलवार था, नौमी भौमवार मधुमासा, आज भी मंगलवार है। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ मथुरा में तो उस दिन अष्टमी थी और बुधवार था। मैं आपको सीधे इस कथा से जोड़ने के लिए कैलाश लिए चलता हूं, चूंकि ये एकमात्र ऐसी कथा है जो भगवान शिव ने गाई है। भारत के जो 18 पुराण हैं वो सब व्यास जी के द्वारा गाए गए हैं। महाभारत भी, भगवद गीता भी, श्रीमद् भागवत भी सब व्यास जी के द्वारा है, परंतु रामचरितमानस इसके रचयिता स्वयं भगवान शिव हैं। रच महेश निज मानस राखा। चूंकि भगवान शिव तीनों लोकों के गुरु हैं, देखिए परमात्मा तो एक ही है, लेकिन आप आरती भी गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवक्षर के मध्य, ये तीनों एका। परमात्मा तो एक ही है लेकिन हम लोगों ने उसको तीन अलग अलग रूपों में माना, पिता के रूप में ब्रह्मा, राजा के रूप में विष्णु और गुरु के रूप में शिव माना। इसलिए जब जब भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ तब तब उनको विष्णु का अवतार कहा गया, नारायण का अवतार। जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था बना के रखना, ये राजा की जिम्मेदारी है। भगवान शिव का जब भी अवतार होगा, यानी परमात्मा का गुरु के रूप में अवतार होगा, तो फिर वो ज्ञान के लिए होगा, जैसे शंकराचार्य के रूप में होगा या हनुमान जी उनके अंश होंगे, वो ज्ञान की बात करेंगे। तो भगवान शिव के कल विवाह का पावन प्रसंग आपने सोमवार के दिन सुना और विवाह करके वो कैलाश पर विराजमान हुए। उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। ये जो अभी आप देवोत्थान एकादशी मनाएंगे ये कार्तिकेय की विजय का उत्सव है। वास्तव में देवोत्थान एकादशी के दिन उज्जैन में जो सिद्धभट नाम का तीर्थ है वहां पर कार्तिकेय स्वामी का अभिषेक किया गया देवताओं के सेनापति के रूप में। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो अपनी विभूतियां बताई उसमें कहा कि मैं नदियों में गंगा हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, मनुष्यों में राजा हूं, पशुओं में सिंह हूं। अर्जुन ने कहा सर हु आर यू इन द कमांडर्स, आप सेनापतियों में कौन है? भगवान ने कहा सेनापतियों में मैं स्कंद हूं, भगवान शिव का बड़ा बेटा कार्तिकेय। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो सेनापति हुए वो कार्तिकेय, भगवान शिव के बड़े बेटे। तारकासुर को जीतने का मतलब है केवल शरीर को नहीं जीतना बल्कि विचारों को भी जीतना। जो अपने कौशल से, युद्ध कौशल से लोगों के विचारों में भी धर्म को स्थापित कर दे वो कार्तिकेय है। 5 दिन युद्ध चला देवोत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, पूर्णमासी के दिन तारकासुर मारा गया। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा की रात को पूरे संसार में देव दीपावली मनाई जाती है। काशी के घाटों पर करोड़ों दीपक जलते हैं। हम लोग दीपावली मनाते हैं अमावस्या की रात को भगवान श्री राम के राज्य उत्सव के रूप में, लेकिन कार्तिकेय की विजय के रूप में देव दीपावली ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गंगा स्नान का बहुत प्रसिद्ध त्योहार होता है, हर जगह जो नदियों के घाट हैं वहां बड़े बड़े मेले हिंदुस्तान के लोगों में लगते हैं। तो कार्तिकेय ने तारकासुर को समाप्त कर दिया और अब
पूरी दुनिया में जो कुतर्क को फैला रहा था, अज्ञान को फैला रहा था, अविद्या को फैला रहा था, वो तो खत्म हो गया। अब विद्या कैसे फैलेगी? कोर्स में परिवर्तन कौन करेगा? नई शिक्षा नीति कौन लाएगा? अभी भी हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो वही तो शिक्षा नीति पढ़ रहे हैं, अब नई आ रही है, अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा। जब तक आप कोर्स में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चों को कैसे पता लगेगा ज्ञान का? तो इसलिए कोर्स में परिवर्तन करने के लिए बहुत आवश्यक है। पिछली सरकारों ने, हालांकि मुझे इस मंच से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जागरण करना भी काम है, पिछली सरकार में 3 विषयों के शिक्षकों की वैकेंसी निकली प्राइमरी लेवल पर, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत। वैकेंसी 3 की निकली, टेस्ट 3 का लिया गया, लेकिन भर्ती केवल उर्दू वालों की हुई, संस्कृत के लोग ऐसे रह गए। विषय यह था कि गुरुकुल से जो बच्चे शास्त्री करते हैं, जो सब बेरोजगार बैठे, उनका अगर एक एक स्कूल में एक एक बच्चे का एक एक शास्त्री की नियुक्ति हो तो कम से कम अपने बच्चों को, सबको नीति के श्लोक है, बहुत सारा ज्ञान जो उपलब्ध है वो पढ़ाया जा सकता है। और बचपन में जिस बच्चे की नींव मजबूत हो गई, जिसके मस्तिष्क में आपने कुछ विद्या के सूत्र डाल दिए, वो अविद्या के मार्ग पर क्यों जाएगा? तो पूरी दुनिया को कुतर्क के मार्ग से तर्क के मार्ग पर, अविद्या के मार्ग से विद्या के मार्ग पर लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो तीनों लोकों का गुरु है, परमात्मा भगवान शिव। इसलिए पूरे संसार को धर्म सिखाने के लिए भगवान शिव ने रामचरितमानस गाई, लेकिन किसको सुनाए? कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज अपनी उनकी पत्नी बैठेंगी सुनने। भगवान शिव ने सबसे पहले ये पार्वती जी को सुनाई। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संभाखा। सबसे पहले पार्वती जी को। और इस कथा का सुनने का परिणाम क्या हुआ? इस कथा को सुनने का परिणाम हुआ कि पार्वती जी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये अमर कथा है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हो गए। इस राम नाम को गाने का परिणाम है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानन। तो इस समय वो कैलाश पर हैं। अच्छा, आप जितने भी लोग हैं भगवान भोलेनाथ के भगत हैं, आज हमारे जो कथा के मुख्य अतिथि हैं, जिन्होंने अभी बाबूजी के चित्र पर भी प्रज्वलन किया, जिनकी योग्यता देखकर बाबूजी ने, चूंकि बाबूजी के बराबर किसी को जानकारी नहीं थी उत्तर प्रदेश की, जो यहां पुराने लोग बैठे हैं संगठन के, उनको सबको बताया कि अकेले कंधे पर 30 साल जब कोई नहीं पूछता था, जब लोग टिकट लेने को तैयार नहीं होते थे पार्टी, उस समय अकेले दम पर 30 साल उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में संघर्ष करके, इसलिए विधानसभाओं में कैसी क्या स्थिति है उनके बराबर किसी को जानकारी नहीं थी। ये तो आज उनके द्वारा दीप प्रज्वलन हुआ, जो आपके माननीय मंत्री जी हैं आंवला क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्मपाल जी, और बाबूजी ने भाई साहब की योग्यता को देखकर डॉक्टर धर्मपाल जी को पहले से, चूंकि बचपन से वो जानते थे, तो पहली बार में ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया। और महादेव की कृपा उनके ऊपर बहुत है, चूंकि गुलड़िया महादेव आप देखते कितना दिव्य पिंडी है भगवान शिव की, 3 महादेवों की उनके क्षेत्र में कृपा है। कल मैं गया था, आगर सागर का बहुत प्रसिद्ध सरोवर है, लीलोर की झील है, गुलड़िया महादेव हैं, और बीच में रामनगर किले में जो दिव्य महादेव हैं, जिनका कल मैं आपसे वर्णन कर रहा था कि पूरे संसार में मैं गया हूं, इंडोनेशिया भी गया हूं कथा करने, मलेशिया भी गया हूं, मॉरिशस भी गया हूं, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी गया हूं, पूरे भारत के तमिलनाडु में हर 25 किलोमीटर पर जो सबसे बड़े मंदिर है वहां भी मैंने देखे है। इतनी ऊंची महादेव की चौकी दुनिया में कहीं नहीं है। जमीन से 80 फीट की ऊंचाई पर महादेव स्थापित हैं, और वो आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए मंदिर, अभी वो कोई उसे भीमगदा कह देता है, कोई उसे भीमशिला कह देता है, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति यदि देखेगा तो नीचे से अष्टकोणीय
उनका स्वरूप है बिल्कुल श्रीयंत्र जैसे होता है, अष्टकोणीय स्वरूप के ऊपर फिर गोल स्वरूप है। तो ये दिव्य महादेव का वो क्षेत्र, मुझे वहां के लोग बता रहे थे कि उत्तर में गुलड़िया महादेव हैं, दक्षिण में अटैया महादेव हैं और बीच में रामनगर के महादेव हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तीनों महादेव। तो तीनों महादेव आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल जी के क्षेत्र में हैं, ऐसी कृपा उनके ऊपर है महादेव की। उन्होंने आज का दीप प्रज्वलन किया। तो बाबूजी ने चूंकि 30 वर्ष लगातार अकेले इस पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी को संगठन को खड़ा किया, तो यहां आज जो कथा प्रारंभ हो रही है कैलाश पर, ये भगवान शिव सुनाने जा रहे हैं। आपने महादेव के बहुत सारे फोटो देखे होंगे लेकिन ऐसा फोटो एक भी नहीं देखा होगा जो अभी हम आप लोगों को निवेदन करने वाले हैं। आपने कभी महादेव को कथा कहते देखा है? आपने कभी महादेव की फोटो कथावाचक के रूप में देखी है? नहीं देखी ना। आज देखिए, जैसे हम लोग कथा कहने बैठे हैं तो हमारे लिए तखत लगा है, पंडाल लगा है, चौकी है, चौकी पर एक ग्रंथ भी रखा है, ग्रंथ की पूजा भी हुई है। ये एक परंपरा है देश की कि किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी साधु को, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को अपने मन से कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ये परंपरा है कि सामने ग्रंथ रखा जाएगा और ग्रंथ के ऊपर ही उसको प्रवचन करना है, ये एक मर्यादा है देश की। लेकिन महादेव के सामने कोई ग्रंथ नहीं है, चूंकि कोई ग्रंथ था ही नहीं, वो तो जो बोले वो ग्रंथ बना, इसलिए वो ऐसे नहीं बैठे थे जैसे मैं बैठा हूं पालथी मार के। उनके सामने चौकी नहीं थी, वो अपने वटवृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे, बायां पैर नीचे लटका हुआ, दाहिना पैर उन्होंने बाएं घुटने पर रखा हुआ। ये जो महादेव का दर्शन आप करेंगे, ये दर्शन दक्षिण भारत में होता है और इस मूर्ति को दक्षिणा मूर्ति कहते हैं, दक्षिणा मूर्ति। उत्तर भारत में ये मंदिर नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में तो भाई साहब 500 साल से पुराना मंदिर ही नहीं बचा। 500 साल से पुराने जितने मंदिर थे सब तोड़ दिए गए आक्रमणकारियों के द्वारा। दक्षिण भारत में भी है तो वहां आप देखेंगे कि महादेव सप्तऋषियों को प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो आज उसी रूप का जरा ध्यान करिए। आज महादेव ने, उनके लिए कोई पंडाल नहीं है, कोई व्यासपीठ नहीं है, अकेले ही बैठे हैं, अपने हाथों से अपना आसन बिछाया। जैसे मैंने कहा कि शुरू में जब कोई नहीं होता है तो अकेले ही चलना पड़ता है। अटल जी के बारे में आपने सुना होगा कि स्वयं साइकिल चला के स्वयं सूचना देना, फिर स्वयं दरी बिछाना, स्वयं ही भाषण देना। तो जो लोग शुरुआत करते हैं वो कंटक पथ पर चलते हैं बाद में। अब हमारे गोस्वामी जी जिंदगी भर बंदरों से चने छीन के खाते रहे, हनुमान जी को लोग चने चढ़ाते थे, उसी में से गोस्वामी जी उठाते थे, उसी में से बंदर छीन के ले जाते थे, इतनी मुश्किल से पेट भरता था। और गोस्वामी जी की लिखी हुई रामायण पर हम लोग भी गा रहे हैं और चकाचक माल मार रहे हैं, देखो खूब रबड़ी खा रहे हैं कुछ। तो शुरू के जो लोग संघर्ष करते हैं वो कंटक पथ पर चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया तब हम लोग यहां आज सुख से बैठे हैं। अपने जो वसीम बरेलवी साहब हैं बरेली के, उनका एक शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये जो लोग कांटों पर चले हैं, जिन्होंने कंटक पथ अपनाया है, उन्होंने हमारे लिए फूलों के रास्ते बनाए हैं। भगवान शिव स्वयं अपने हाथ से आसन बिछाकर वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप जरा उनका ध्यान करिए। बहुत सुंदर इन दो चौपाइयों को मेरे साथ गाइए। अच्छा देखते हैं किन की आवाज ज्यादा आएगी। ये इधर वाले ये दोहराएंगे आधी चौपाई और इधर वाले दोहराएंगे फिर आधी चौपाई, दोनों में से किन की तेज आवाज आएगी ये देखा जाएगा। पहले आपका नंबर है। निज कर दासी नागरी पुछाला, आगे देखिए माताओं ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन पीछे जो भाई साहब बैठे हैं वो तो ऐसे ही बैठे थे। अरे भाई साहब जोर लगाइए, भोजन करके आए कि नहीं? माताएं बहुत धर्मात्मा होती हैं, इसलिए हमारे यहां पत्नी को धर्म पत्नी बोलते, पति को नहीं बोलते, पत्नी को धर्म पत्नी बोलते। अब इधर वाले भी जोर लगाएंगे, आपके साथ तो मंत्री जी भी हैं, भाई साहब भी हैं, सब आपके साथ हैं। बैठे सहज ही शंभु कृपाला,
अब इस बार जोर लगा देना भाई साहब। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परे धन मुनि जीरा, बहुत सुंदर सबने गाया। ये भगवान शिव की झांकी का एक बार मैं आपको ध्यान कराता हूं। एकदम गोरा शरीर है, आज उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो बिना सिले कपड़े पहने हैं, चीर चीर किसे कहते हैं, बिना सिले वस्त्र को। जैसे माताएं साड़ी पहनती हैं तो साड़ी सिली हुई नहीं होती, जो बिना सिला वस्त्र है वो भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है, चीर। पुरुष भी धोती पहनते थे, माताएं भी धोती पहनती थी, और दोनों की एक जैसी थी। पहले ऐसी साड़ी नहीं बनती थी, लांगदार साड़ी बनती थी। अभी भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से शुरू हो जाती है और पूरा दक्षिण भारत माताएं लांगदार साड़ी बांधती है, जैसे पुरुषों की धोती बनती है, एक जैसा वेश था। अर्धनारीश्वर का रूप है ना, जैसा पुरुष का वैसा स्त्री का। तो ये पेंट तो अंग्रेज ले आए और पजम्मा जो है वो मुगल ले आए। अब हम लोगों की क्या है, हम लोगों की तो धोती है, लेकिन कितने लोग धोती बांधते हैं। मेरा ये निवेदन है आपसे कि कम से कम पूजा के समय, घर में बहन से राखी बंधवाते समय, दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन करते समय, भैया दौज का टीका करवाते समय, ऐसे जो भी अपने त्योहार हैं, कम से कम उन पर हम ये निश्चय करें कि अपने घर में भारतीय वेश पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे। ऐसा अगर संकल्प करेंगे तो आपके बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि ये भी ड्रेस होती है, नहीं तो भूल जाएंगे। भगवान शिव चीर पहनकर बैठे हैं। किसी साधु को जब आप कपड़ा दान करते हैं तो 2 मीटर नीचे बांधना, 2 मीटर ऊपर ओढ़ना, ऐसे 2 चीर बांधकर वो बैठे हैं, जबकि वो राजा साहब के दामाद हैं। बारात में जब गए थे तो बिल्कुल शरीर पर भस्म मल कर गए थे, लेकिन वहां राजा साहब ने फिर उनका दिव्य श्रृंगार करवाया और वो दुनिया के सबसे सुंदर दूल्हे बने। उनका नाम ही सुंदरेश्वर महादेव हो। अभी वो ससुराल में है कैलाश पर और नित्य नया विहार कर रहे हैं, लेकिन आज उनका जो श्रृंगार है वो बिल्कुल सादा। व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को मन से भी शांत होना चाहिए और उसको वेश से भी सात्विक होना चाहिए। लंबी भुजाएं हैं। पार्वती जी ने देखा कि आज पहली बार मैं अपने पति को इस रूप में देख रही हूं, इसका मतलब है कि आज ये ज्ञान देने के मूड में है। तो पार्वती जी ने जाकर प्रणाम किया। आइए, मां पार्वती भगवान शिव को प्रणाम कर रही हैं। आप लोग भी एक बार भाव से प्रणाम कर लें और 2 चौपाई मेरे साथ गाएं। और मेरी गारंटी है कि ये पार्वती मां के द्वारा गाई गई 2 चौपाई किसी भी शिव मंदिर में जाकर अगर आप गाएंगे तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होकर आप जो मांगेंगे वो प्रदान करेंगे। ये 2 चौपाई मेरे साथ गाने। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित भुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अन जीव पावर का जाना, अन जीव पावर का जाना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। पार्वती जी ने भगवान शिव की जो प्रार्थना की उसमें आधी लाइन में 2 बार नाथ शब्द का प्रयोग किया। बरेली वालों के लिए विशेष है क्योंकि ये नाथों की नगरी है। बरेली में ही 7 भगवान शिव के बड़े सिद्ध मंदिर हैं जिनको नाथ बोलते हैं, अलखनाथ, तपेश्वरनाथ, तिवरीनाथ इत्यादि। और मां पार्वती भगवान शिव को आधी चौपाई में 2 बार नाथ बोले, विश्वनाथ मम नाथ।
जितने भी लोग पंडाल में हैं, मेरा निवेदन है इस लाइन को जरा ध्यान से सुने। अगर ये आधी पंक्ति आपकी समझ में आ गई तो यही इसी क्षण आपके हृदय में भक्ति का संचार हो जाएगा। विश्वनाथ माने होता है जो पूरे विश्व का मालिक है, ईश्वर जगदीश, जिसकी माया के अंतर्गत ये पूरा विश्व चल रहा है, वो है विश्वनाथ। लेकिन विश्वनाथ तो पूरे विश्व के लिए एक से हैं, उन्होंने जो कानून बनाया, उन्होंने जो नियम बनाए, वो पूरे विश्व के लिए एक से हैं। फिर आप पर स्पेशल कृपा क्यों होगी? आप पर स्पेशल कृपा तब होगी जब आप उनसे अपना डायरेक्ट संबंध जोड़ेंगे। उसको कहते हैं मम नाथ। जैसे आप आरती गाते हैं, पहले क्या गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे। फिर क्या बोलते हैं? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण गहु मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करू मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। आपने ये गाया तो क्या किया? अपना पर्सनल संबंध भगवान से जोड़ा। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिन भी भक्तों पर आज तक भगवान की कृपा हुई है, जो भागवत बने हैं, वो हैं जिन्होंने भगवान से अपना पर्सनल संबंध जोड़ा है। जैसे ध्रुव ने पिता माना, प्रहलाद ने पिता माना, तो आप जो भी संबंध जोड़ना चाहें वो आपसे सारे संबंध निभाने को तैयार है। वो आपके बिजनेस में पार्टनर भी बन सकते हैं। तिरुपति बालाजी पर इतना पैसा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इसलिए चढ़ता है कि लोग उनको बिजनेस में पार्टनर मानते हैं, और जितने परसेंट का मानते हैं उतना ईमानदारी से जाके चढ़ा देते हैं। भगवान आपके पार्टनर बनने को भी तैयार है, आपके गुरु बनने को भी तैयार है, आपके चेले बनने को भी तैयार है। लेकिन जोड़िए तो सही संबंध। अंग्रेजी की एक कहावत है कि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक भावनाएं नहीं होंगी। यहां कोई भी मां ऐसी नहीं बैठी जिसको अपने बच्चे को याद करने को माला जपनी पड़ती हो। कोई मां बाप अपने बच्चे को माला से याद करते हैं? लेकिन भगवान के लिए हमें माला जपनी पड़ती है। अगर हम भगवान से संबंध जोड़ लेंगे तो माला नहीं जपनी पड़ेगी, फिर लगातार सुमरन बना रहेगा। इसलिए पार्वती जी बोल रही हैं, आप पूरे विश्व के मालिक हैं लेकिन मेरे भी तो नाथ हैं। मैं जानती हूं आप तीनों लोकों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। क्योंकि जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती होगी उस दिन सप्तर्षि आते होंगे, परशुराम जी उनके शिष्य हैं, वो आते होंगे, उन्होंने भरत मुनि को नाट्य शास्त्र सिखाया, वो आते होंगे, उन्होंने पतंजलि को योग सिखाया, पतंजलि आते होंगे, उन्होंने पाणिनि को व्याकरण सिखाई, पाणिनि आते होंगे, पूरी दुनिया के समस्त विद्याओं के परमाचार्य जब आते होंगे तो पार्वती जी देखती होंगी तो तीनों लोकों के गुरु हैं। और इतने बड़े गुरु की पत्नी अज्ञान में है, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि मैं पिछले जन्म में सती थी, मुझे समझ में नहीं आया था कि राम कौन है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया मेरे अज्ञान को दूर करिए महादेव। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। मां पार्वती निवेदन कर रही है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस कथा को सुन रहे हैं, इस पहले प्रसंग से आप बस ये अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि हमको भगवान के साथ अपना कोई ना कोई संबंध जोड़ना है जो आपको अच्छा लगता हो। संबंध तो उन्हीं से है, ये संसार के संबंध तो 70-80 साल के हैं भाई साहब, परमानेंट तो उन्हीं से है, तो बना लीजिए संबंध अभी से, कोई ना कोई भावना जोड़ लीजिए। अब जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, वो सभी माताएं अपने को यशोदा मानती हैं और भगवान को अपना बेटा मानती, तो ये संबंध ही तो है। तो जिस संबंध को आप भावना से जोड़ेंगे, जाकी रही भावना ऐसी, जाकी रही भावना ऐसी, प्रभु मूर्ति ते की तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी।
मां पार्वती ने कथा का आग्रह किया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री राम की सारी लीलाएं, सारा रूप हृदय में घूमने लगा और उन्होंने माता पार्वती को दो बार धन्यवाद दिया। एक बार आप भी दे लीजिए, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। मैंने निवेदन किया था कल भी परसों भी कि आप जितना गाएंगे उतना दुर्भाग्य की रेखाएं मिटती जाएंगी, क्योंकि शंकराचार्य जी से पूछा था सप्त ऋषियों ने कि महाराज ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा परम आश्चर्य कौन सा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भगवान का नाम इतना सरल है और जीव आपकी अपनी है, किराए की भी नहीं मांगनी, उसके बाद भी लोग भगवान का नाम नहीं गाते। अगर आप गाएंगे तो उसका पुण्य बनेगा, उस पुण्य से आपके द्वारा कोई गलत भी हो जाता है तो उसका पाप भी नष्ट हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर श्लोक आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने बोला, आप सब लोग मेरे साथ दोहरा लीजिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। सब लोग बोलिए, सुलभम भगवन नाम जिभा सुबस्वर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमपि आश्चर्यम परम। यानी भगवान का नाम सरल है, जीव अपनी है, उसके बाद भी लोग नरक में जा रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। नरक माने ऊपर नहीं होता, यहीं पर हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो उसको नरक कहते हैं, यहीं पर जब सुख आते हैं तो उसको स्वर्ग कहते हैं। ये सुख और दुख कर्म के फलभूत आते हैं। तो जब आप पंडाल में आके बैठे ही गए हैं भाई साहब, तो जरा गा भी लीजिए। और एक बात और बता दूं, ये जितनी चौपाई गाई जा रही हैं शास्त्रीय संगीत के रागों में गाई जा रही है। ये शास्त्रीय संगीत के रागों में जब आप गाते हैं भगवान का नाम तो आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामायण की चौपाई सुनिए, साधक नाम जपहिं ले लाए, साधक नाम जपहिं ले लाए, ओही सिद्ध अणि मा दिख पाए, ओही सिद्ध अणि मा दिख पाए, ओही सिद्ध अणि दिख पाए, ओही सिद्ध अणि दिख पाए। कोई भी साधक जब लय में भगवान का नाम गाता है, लय में, इतने सुंदर शास्त्रीय संगीत के राग हैं और ये चैनल पर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। 31 तारीख को जिस दिन यह भंडारा होगा उसके अगले दिन 1 तारीख से ये कथा सुभारती चैनल पर प्रसारण होगी, पूरा देश देवचरा की भूमि पर बैठे हुए भक्तों को देखेगा, तो जरा देखकर सबको अच्छा लगे, उसके लिए आप गाएंगे तो और अच्छा लगेगा, गाया करिए प्रेम से। भगवान शिव ने मां पार्वती को दो बार धन्यवाद दिया और कहा आप दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारी हैं, तुम समान नहीं को उपकारी। मां पार्वती ने कहा जी मैंने तो कोई उपकार नहीं किया, ना तो कोई कॉलेज बनवाया, ना कोई हॉस्पिटल बनवाया, ना भंडारा करवाया, ना गरीब कन्याओं का विवाह कराया, ना कोई प्याऊ लगवाई,
मैंने क्या परोपकार किया। भगवान शिव ने कहा जितने प्रकार के परोपकार आप गिना रही हैं ये बहुत क्षणिक है। अगर आप भंडारा कराते हैं तो भंडारे की कितनी महिमा है, मुश्किल से 6 घंटे, 6 घंटे बाद आदमी को दोबारा भूख लगती। भंडारे से किसी के विचार नहीं बदलते। और अगर आप कोई भी स्कूल हॉस्पिटल कुछ भी काम करते हैं तो वो कितनी दूर तक प्रभाव करता है, 10-20 किलोमीटर। लेकिन अगर किसी के विचारों में आपने परिवर्तन कर दिया तो उन विचारों से उसका ये जीवन भी शुद्ध होता है, उसके अगले भी जन्म शुद्ध होते हैं और उसके संपर्क में आने वाले भी सैकड़ों लोग वो भी बदल जाते हैं, उनको भी आनंद हो जाता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा देवी पार्वती आप दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारी हो। शुक्ला जी इधर से आ जाए बेटा, इधर से भाई साहब को भेज दो, इधर से ले, इधर पीछे से थोड़ा पीछे से आना, वो भैया भैया लेकर आएंगे, आप आइए। एक बार ये चौपाई फिर से मेरे साथ गा लीजिए, महादेव गा रहे हैं। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कितनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं भगवान शिव मां पार्वती को, जैसे हमारे यहां भारत रत्न की उपाधि है वैसे उनके यहां परोपकार रत्न दे रहे हैं कि आपने वो काम किया है जैसे भगीरथ गंगा जी लेकर आए थे। ये राम गंगा कौन लेकर आए पता है? भगीरथ तो गंगा जी लाए और राम गंगा जी कौन लाए? ये राम गंगा जी भगवान परशुराम लाए, क्योंकि उनका नाम भी राम है। हमारे देश में 3 राम हुए, बलराम जी का नाम भी राम है, परशुराम जी का नाम भी राम है, तो भगवान राम का भी नाम राम है। बलराम जी में बल बहुत अधिक था इसलिए उनका नाम में बल लग गया बलराम। परशुराम जी 24 घंटे फरसा धारण किए इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। लेकिन उनकी इतनी महिमा थी, यही राम गंगा जी के किनारे उनका जन्म स्थान है, आगे जहां राम गंगा जी का गंगा जी से संगम होता है शाहजहांपुर के पास जलालाबाद में, नाम उसका बाद में जलालाबाद हो गया। अब देखिए फैजाबाद का तो अयोध्या होगा, उसका भी कब नंबर आएगा, भगवान से प्रार्थना है वो भी जल्दी से हा? वो भगवान परशुराम ने इतना पुरुषार्थ किया, आसाम की ब्रह्मपुत्र नदी परशुराम जी का पुत्र माना जाता है, वो परशुराम कुंड से निकली है हिमालय से। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, वो नद है, उसको स्त्री नहीं मानते, उसको पुरुष मानते, नद बोलते ब्रह्मपुत्र को। तो ये पूरी भूमि जब उन्होंने कश्यप ऋषि को दान कर दी तब अपने रहने के लिए उन्होंने फरसा फेंका तो समुद्र पीछे हट गया और ये जो पूरा कोंकण का प्रदेश है गोवा वाला वो पूरा प्रकट हुआ परशुराम जी के लिए। ये उनके द्वारा प्रकट गंगा है जो राम गंगा के रूप में यहां आप लोग जिसको मानते हैं। बोल परशुराम भगवान की। एक भ्रामक धारणा फैला दी गई हमारे देश को बांटने के लिए अंग्रेजों के द्वारा पोषित कुछ विद्वानों के द्वारा। आप ध्यान रखिए, अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों में बहुत गड़बड़े की। एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान को मैक्स मूलर को, जिसने भारत के विद्वानों को जो बिकाऊ विद्वान होते हैं आप तो जानते ही, ऐसे पुरस्कार वापसी गंग जितने हैं उनको पैसे दे देकर शास्त्रों में भी गड़बड़ कराई। और उन्होंने हर वर्ग को बांटने की कोशिश की तो ऐसा जहर फैलाया जैसे कि वो क्षत्रियों के विरोधी हो। मैं उसका आगे विवेचन करूंगा।
लेकिन मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दे देता हूं कि अभी अभी जो मैं कथा कहकर यहां आया हूं, यहां 23 से शुरू हुई है, 22 को मेरी कथा पूरी हुई थी यहां के समध्याने में। अभी मैं माननीय मंत्री जी से चर्चा कर रहा था कि हस्तिनापुर का साम्राज्य और यहाँ का साम्राज्य आपस में समध्याना ही तो है, पांडवों की ससुराल ही तो है दक्षिणी पांचाल, महाराज द्रौपद का साम्राज्य। तो वहां पर हस्तिनापुर के जो सबसे बड़े महादेव हैं उनको त्रिपुरारी महादेव कहते हैं, पूरा महादेव उनको शॉर्ट में बोलते हैं। पूरे भारतवर्ष में इतनी कांवड़ कहीं नहीं चढ़ती। आप कभी जाना हो आपको तो मेरठ के पास बागपत जिले में पूरा महादेव का स्थान है, हिंडन नदी के किनारे, हरनंदी उसका नाम था, अंग्रेजों ने हिंडन कर दिया। वहां स्वयं परशुराम जी नित्य अभिषेक करते हैं, ऐसी मान्यता है। तीन दिन में श्रावण की द्वादशी त्रयोदशी और चतुर्दशी में 30 लाख कांवड़ चढ़ती है, इतना सिद्ध स्थान है। वहां परशुराम जी का गुरुकुल चलता था। जो लोग कहते हैं कि क्षत्रिय विरोधी थे, वो जरा देखें कि भीष्म पिता में उन्हीं के शिष्य थे, कर्ण को शिक्षा उन्होंने दी थी, द्रोण उन्हीं के शिष्य थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि भी उन्हीं के शिष्य थे, और सांदीपनि के गुरुकुल से जब भगवान कृष्ण दीक्षा लेकर निकल रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने भेंट किया था, इसी से उद्धार करो। भगवान राम को अपना धनुष भी उन्होंने दिया था। अगर वो ब्राह्मणवादी होते, जैसा कि कई संस्थाएं अपने पत्रिका पे उनका फोटो छापकर उनको एक ही जाति का बनाने की कोशिश करती है, उनसे मेरा निवेदन है कि और भी बहुत रत्न हुए हैं उनके भी छापे, अगर वो ब्राह्मणवादी होते तो अपना धनुष राजा जनक को क्यों देके जाते, किन्हीं पंडित जी को देके नहीं जाते, अपना फरसा भी वहीं रख कर गए, अपना धनुष भी वहीं रख कर गए। तो जहां वो उनका गुरुकुल चलता था उसी स्थान पर भगवान परशुराम जी का देश का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे ऊंचा मंदिर, 111 फीट ऊंचा मंदिर बनकर तैयार हो गया है, और उसके लिए 6 कथाएं मैंने उस क्षेत्र में पिछले 10 साल में की, बिना किसी दक्षिणा के पूरी कथाएं उसी मंदिर को समर्पित हुई, और सबसे बड़ा मंदिर परशुराम जी का तैयार हुआ है, 111 फीट ऊंचा, देश में कोई मंदिर नहीं। तो ये महिमा है भगवान के नाम की। ये जो राम गंगा है ये उन्हीं के द्वारा प्रकट है। तो जैसे भगीरथ गंगा जी लेकर आए, वैसे ही भगवान शिव ने कहा देवी पार्वती, गंगा जी का नाम है जटाशंकरी, क्योंकि मेरी जटाओं से निकली, लेकिन आज एक नई गंगा प्रकट होगी जो मेरी जीभ से निकलेगी कथा के रूप में, और उसका नाम होगा जिभाशंकरी। लेकिन भगीरथ की गंगा देवचरा में नहीं आती, भगीरथ की गंगा इधर नहीं जाती, आगे पीलीभीत वगैरह और आगे, भगीरथ की गंगा अमेरिका नहीं जाती, उसका एक निश्चित रूट है। लेकिन ये जो मेरी जिभा शंकरी होगी, ये जो कथा की गंगा निकलेगी, ये पूरी दुनिया के हर गांव के हर घर तक, हर व्यक्ति के जीवन तक पहुंचने में सक्षम होगी, इसलिए आप दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारी है। तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ध्यान रखिएगा भक्तों, भगवान शिव कथा को मंदिर नहीं बोल रहे, गंगा बोल रहे। ध्यान रखिएगा, मंदिर में जाते समय बाउंडेशंस हैं, टाइम टेबल है, आपको नहा के जाना पड़ेगा, लेकिन कथा में आने में कोई दिक्कत नहीं है। आप रामायण को कभी भी खोल के पढ़ लीजिए, नहाए बिना नहाए, सोते लेटते बैठते उठते, अरे गंगा जी कह रही है तू मेरी गोद में आ जा, पवित्र करने का काम तो मैं कर दूंगा। गंगा की गोद में तो जो पहुंच गया वो पवित्र हो गया। दो बार धन्यवाद दिया, अब भगवान शिव कथा प्रारंभ करने वाले हैं। तो कथावाचक के रूप में आज भोलेनाथ बैठे हैं, उनके स्वरूप को प्रणाम करने के लिए आप सब भोलेनाथ के अभिनंदन में एक बार खड़े हो जाएं और एक भजन मेरे साथ गाएं। सब लोग खड़े हो जाएं प्रेम से, एक भजन मेरे साथ प्रेम से। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 ऐसा भक्त
सुनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी कथा सुनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सबकी ताली। डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा ज्ञान कराने वाला कोई और नहीं, रचने वाला कोई और नहीं, ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं, ऐसा हंस बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसा हंस बनाने वाला कोई और नहीं। दुनिया के सभी परमहंस जितने साधु संन्यासी हैं सबके आदर्श भोलेनाथ, भगवान शिव से प्रेरणा लेकर भारत का हर आध्यात्मिक व्यक्ति सन्यास लेता है। सन्यासियों के, त्यागियों के, अपरिग्रहियों के सबसे बड़े आदर्श भगवान शिव है, इसलिए उनको जो ध्यान करता है वो स्वयं शिवो भुक्त्वा शिवम यजेत, वो स्वयं परमहंस हो जाता है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा हंस बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसा हंस बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं, ऐसा मानस रचने वाला कोई। पीछे तक सबकी ताली। जब जब करवट बदले कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले, ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं, पुनर्जन्म सिखाने वाला कोई और नहीं, पुनर्जन्म सिखाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला सबकी ताली। सब लोग प्रेम से दो मिनट के लिए भाव से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं, मानस रचने वाला कोई और नहीं, परमहंस बनाने वाला कोई और नहीं।
नाथ से निराला कोई और नहीं, ये भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। भगवान शिव कथा प्रारंभ कर रहे हैं श्री राम जन्म की। अभी थोड़ी देर में हम लोग श्री राम जन्म का उत्सव मनाएंगे। भगवान शिव जो कथा सुना रहे हैं उसमें एक एक करके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा निवेदन कर दूं कि ये जितने शास्त्र आपको मिले हैं ये सब जिज्ञासाओं से मिले हैं। अगर जिज्ञासा ना होती तो आपको शास्त्र ना मिलता। देखिए, अरे बहनाओं बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी खड़े होने का टाइम तो फरवरी में आवेगा, अभी बैठ जाओ। ये कहां थे हम लोग, भूल गए, कथा प्रारंभ हो रही थी। आप बड़ी लेट आई। अच्छा चल भैया, देखो कल से निवेदन है कि 2 बजे से समय है। अब चूंकि 5 बजे से थोड़ा सा सूर्य नीचे जाने लगते हैं, पर मुझे ये भी रहता है चिंता कि आजकल डेंगू का भी थोड़ा प्रभाव है, तो बहुत अंधेरा होगा तो मच्छर भी सक्रिय होते हैं, तो समय से ही पूरा हो जाए, 5:30 तक तो पूरा हो ही जाए। लेकिन उसके लिए थोड़ी कथा को भी समय मिल जाए तो थोड़ा सा पहले अगर आ जाए करें। भोजन किस समय होता है घर पे, क्यों बहन जी, भोजन किस समय होता है घर पे, 11-12 तक तो हो जाता होगा। अच्छा बरेली वालों के यहाँ 2 बजे होता होगा, लेकिन यहाँ देवचारा वालों के यहाँ तो जल्दी हो जाता होगा। तो बरेली वाले आ जाएं थोड़ा बाद में, लेकिन देवचारा वाले तो इस क्षेत्र के जितने आसपास के ग्रामीण हमारे भगवान के भक्त आ रहे हैं वो जरा कल से और कोशिश करें कि 1:30 बजे आ जाएं, जिससे कि और समय से आपको और ज्यादा आनंद मिल सके। देखिये कार्तिक का महीना नहीं मिलेगा ये, और ये वो समय है जब भगवान श्री राम का विजयोत्सव अभी संपूर्ण हुआ है और भगवान श्री राम का राष्ट्रलग होने वाला है दीपावली पर। दीपावली राष्ट्रलग की तो होती है, तो इसलिए इसके बीच का ये जो समय है, पूरे देश में अभी अभी रामलीलाएं संपन्न हुई है सब जगह, ये कार्तिक का सबसे पवित्र समय है जो आपकी कथा का समय है। इसलिए समय का पूरा सदुपयोग करिए और आइए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जितने भी शास्त्र प्रकट हुए वो जिज्ञासाओं से प्रकट हुए। नचिकेता की जिज्ञासा थी तो यमराज ने उपदेश किया, कठोपनिषद आ गया। अर्जुन की जिज्ञासा थी, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया तो गीता आ गई। पार्वती जी की जिज्ञासा थी, भगवान शिव ने उपदेश किया तो रामायण आ गई। प्रत्येक शास्त्र किसी ना किसी महापुरुष की जिज्ञासा से आया है। हमारे अंदर ये जिज्ञासा बढ़ती चले। बाकी तो जिज्ञासाएं दिन भर रहती हैं कि आज धूप कैसी है, कि टेम्परेचर कैसा है, कि बारिश होगी कि नहीं होगी, या किसकी क्या चर्चा हुई। दुनिया की जिज्ञासाओं के साथ साथ आध्यात्मिक जिज्ञासाएं भी आपकी हो। पार्वती जी का पहला प्रश्न है, भगवान कैसा होता है, बड़ा टेढ़ा प्रश्न, भगवान कैसा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई भगवान के ही नाम पर है, सबसे ज्यादा लड़ाई, और उसको किसी ने पूरा जाना नहीं। चारों वेदों ने भी अंत में पूरा गुणगान करके कहा नेति नेति, हम भी पूरा नहीं जान पाए। जिसको कोई नहीं जान पाया पूरा, उसी के बारे में सबसे ज्यादा लड़ाई है। दुनिया की 750 करोड़ आबादी में 700 करोड़ लोग भगवान के भक्त हैं। इस्लाम वाले भी मानते हैं, ईसाइयत वाले भी मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन लड़ाई किस बात की है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन भगवान शिव तो सबके गुरु हैं,
तीनों लोकों के गुरु हैं और वो सब लड़ाई को शांत करना चाहते हैं, वो सब झगड़ों को मिटाना चाहते हैं। इसलिए वो पार्वती जी को कहे कि ना तो परमात्मा निर्गुण है और ना तो परमात्मा सगुण है, उसमें कोई भेद नहीं है। वैसे तो वो निर्गुण निराकार रहता है, लेकिन जब कोई भक्त बहुत प्रेम से पुकारता है तो वो सगुण साकार होकर प्रकट होता है। और इसके लिए उन्होंने दो चौपाई गाई, आप अगर गा सके तो मेरे साथ गाइएगा, नहीं गा पाए तो कोई बात नहीं, मुंह खोल के आ कर दीजिएगा तो भी पुण्य मिलेगा। आज मंगलवार है, हनुमान जी उपस्थित हैं, वो आप सबका नाम नोट कर लेंगे। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहिं मुनि पुराण बुध भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहिं मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सब गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्श अज रविहारी। आप में से जो साइंस वाले लोग होंगे उनको मैं खुशखबरी सुना रहा हूं। अभी 6 साल पहले ब्रिटेन के वैज्ञानिक मिस्टर पीटर हिक्स को नोबेल पुरस्कार मिला, जो साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरी दुनिया का, और वो पुरस्कार मिला इस सिद्धांत के ऊपर कि कण कण में परमात्मा है। ये जो भारत की थ्योरी है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचम जगत्याम जगत, यानी जहां तक भी जगत है हर कण में भगवान है। यही तो प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को कहा था कि भगवान कण कण में, इसलिए उसका नाम विष्णु है, हर परमाणु में। इसलिए पत्थर के खंभे से भगवान प्रकट हुए थे, पूरी दुनिया ने देखा था। भाई साहब आसमान में से नहीं कूदे थे, न धरती में से निकले, पत्थर के खंभे को फाड़ कर प्रकट हुए। उस दिन लोगों को भरोसा हुआ कि पत्थर में भी भगवान है। दुनिया के लोग सोचते हैं हिंदू पागल हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पागल नहीं है। पत्थर दुनिया का सबसे जड़ पदार्थ है, लेकिन अगर भक्त के प्रेम में ताकत है तो पत्थर में से भी चेतन को प्रकट कर सकता है। भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, वो सतयुग की बात थी, आप कहेंगे पुरानी बात है, मैं आपको अभी नई बात बताता हूं, बिल्कुल नई बात। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, अभी 200 साल पहले की बात, केवल 200 साल, हजारों लोगों की आंखों देखी घटना है। ये जो काशी में ज्योतिर्लिंग है भगवान विश्वनाथ का, ये केवल 200 साल पहले महारानी अहिल्याबाई ने स्थापित किए, क्योंकि 300 साल पहले औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वा दिया। शिवलिंग को बचाने के लिए वहां के पुजारियों ने शिवलिंग को कुएं में डाल दिया। वो कुआ दुनिया का सबसे पुराना कुआ है, उसको ज्ञानवापी बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने उसको अपने त्रिशूल से स्वयं खोदा था। उस मोहल्ले का नाम भी ज्ञानवापी है, वहां जो मस्जिद बनाई औरंगजेब ने उसका नाम भी ज्ञानवापी मस्जिद है। अहिल्याबाई भगवान शिव की परम भक्त थी, नित्य रुद्राभिषेक करती थी। अहिल्याबाई बहुत योग्य थी, आजकल टीवी पर सीरियल भी आ रहा है अहिल्याबाई जी का, उनको देवी कहते हैं। अगर आप मालवा में जाएंगे तो कोई उनको महारानी नहीं कहेगा, देवी कहेगा। वहां के हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई, वहां की यूनिवर्सिटी का नाम देवी अहिल्याबाई, उनको देवी माना जाता है। नर्मदा जी के तट पर उनकी राज्य की राजधानी थी। आप कभी ओंकारेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का जब दर्शन करने जाएंगे, वो इंदौर से ओंकारेश्वर, तो रास्ते में मंडला वो क्या नाम है उसका, महेश्वर नाम की जो नगरी है वो अहिल्याबाई जी की राजधानी थी। कभी होकर जरूर आइए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी बड़ी महारानी इतने सादा घर में रहती थी, उनका घर आज भी वही खपरेल वाला घर है, कमरे बरामदे और बीच में जो आंगन है ना वो गोबर से लिपा हुआ है। ऐसा बोलते हैं कि उनका आंगन हमेशा भीगा रहता था पानी से,
क्योंकि जो खर्चा उनके ऊपर होना था उसको वो मंदिरों पर खर्च करती थी, और इतना दान का संकल्प रोज लेती थी कि वो दान के संकल्प के जल से आंगन भीगा रहता था। मुगलों ने जितने मंदिर देश भर में तोड़े, ज्यादातर मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई जी ने करवाया। तो जब वो काशी आई तो काशी के पंडितों से उन्होंने पूछा कि भाई बाबा विश्वनाथ पर मुझे जल चढ़ाना है, तो उन्होंने कहा कुएं में चढ़ाइए। अच्छा, इस देश को देखिए, देश के लोग कितने भूलने में एक्सपर्ट है। हम अपने हर अपमान को भूल जाते हैं, कितनी भी हमारी पिटाई हो दो चार साल बाद फिर भूल जाते हैं, और हमारे लोग उसमें कहानी और बना देते हैं, उसकी स्मृति भी नहीं कराते कभी। 100 वर्षों तक इस देश में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उस मंदिर को दोबारा बनवा पाता, जबकि बाबा विश्वनाथ के प्रति इतनी श्रद्धा पूरे देश में। लोग कुएं में जल चढ़ाते थे ये सोचकर कि शिवलिंग कुएं में। अहिल्याबाई ने कहा मैं कुएं में नहीं चढ़ाऊंगी, मैं साक्षात भगवान विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करूंगी। और अपनी सेना से कहा कुएं की खुदाई करो, लेकिन कुएं में बाबा नहीं निकले, कुएं में से शिवलिंग नहीं निकला। अहिल्याबाई वहीं आमरण अनशन पर बैठ गई। आपने सरकार के खिलाफ आमरण अनशन तो करते बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन भगवान के खिलाफ कोई आमरण अनशन करे ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। भगवान के खिलाफ आमरण अनशन, आप प्रकट नहीं होंगे तो मैं यही प्राण छोड़ूंगी, पानी नहीं पीऊंगी। भगवान रात को ही उसके सपने में आ गए। भोलेनाथ ने कहा बिटिया मैं तुझे नर्मदा जी में मिलूंगा। अहिल्या जी ने पंडितों को सुबह बताया कि नर्मदा जी में मिलेंगे, यहां तो नहीं है, कुएं में तो नहीं निकले। पंडितों ने कहा हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, आप नर्मदा जी में से कोई भी नर्मदेश्वर लाकर हमसे कहेंगे ये विश्वनाथ हैं, हम कैसे मानेंगे। तो उन्होंने कहा बाबा की तो मानोगे, आप अपने 108 सबसे विद्वान लोगों को भेजिए, सबका खर्चा मैं दूंगी, और ये लोग प्रार्थना करें कि बाबा प्रकट होइए, रुद्री का पाठ करें, मैं तो बस आंचल फैला के खड़ी होंगी। अहिल्या जी आंचल फैलाकर खड़ी हुई, 108 काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया, हजारों जनता दर्शन कर रही थी इस दृश्य का। अहिल्या जी आंखें बंद करके आंचल फैलाए हुए प्रार्थना कर रही थी, जैसे ही रुद्री का पाठ पूरा हुआ अहिल्या जी की आंचल में भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। ये वही ज्योतिर्लिंग है काशी में जिसमें आज सब रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और जानते हैं वो कितने सिद्ध हैं? वो इतने सिद्ध महादेव हैं कि 2014 में मोदी जी वहां इलेक्शन लड़ने गए काशी, वहां उन्होंने बाबा का पहले रुद्राभिषेक किया। उनके खिलाफ केजरीवाल गए इलेक्शन लड़ने, उन्होंने भी रुद्राभिषेक किया। मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों ने प्रणाम किया बाबा को, आशीर्वाद लिया, बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। जो जीता वो पीएम और जो हारा वो सीएम। देखो इतने सिद्ध बाबा हैं, बाबा तो सबको देते हैं। तो ये आपका ये रामगंगा का ये पवित्र तट है, इसके दोनों ओर दक्षिण पांचाल उत्तर पांचाल दोनों ओर महादेव ही महादेव है, ये तो पूरा महादेव का ही है। तो आइए, भगवान शिव ने कहा कि वैसे तो निर्गुण निराकार है, लेकिन भक्त प्रेम से पुकारे तो उसकी पुकार पर सगुण साकार हो जाते हैं। ये आपके अंदर उतना प्रेम हो, उतनी सच्चाई हो, उतना आपका निर्मल मन हो, ऐसे ही प्रकट नहीं होते। आपने एक नारा सुना होगा सत्यम शिवम, ध्यान रखिएगा, अहिल्याबाई के लड़के ने पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने शासन संभाला, उनका एकमात्र लड़का था मालोजी राव, उसने एक ऐसा अपराध किया जिसकी सजा मृत्यु दंड थी। मंत्रियों ने समझाया कि अगर आप इसको मरवा देंगी, इसको फांसी पर चढ़ा देंगी, तो फिर आपका वंश नष्ट हो जाएगा। अहिल्या जी ने कहा वंश की चिंता मत करो, धर्म की चिंता करो, मैं पूरे देश की मां हूं, पूरे देश की रानी हूं, और अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते पुत्र को उन्होंने दंड दिलवाया। जो सत्य के मार्ग पर इतना आगे बढ़ता है उसकी पुकार पर भगवान भी निराकार से साकार हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, भगवान शिव ने कहा।
पार्वती जी ने अगला प्रश्न पूछा, कब कब होते हैं, टाइम कब आता है, वो पूछ रहे कब कब। भगवान शिव ने कहा, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा, हर ही कपानी भी सज्जन वीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर कब कब। बोले जब जब। ध्यान रखिएगा, रामायण में सभी शास्त्र है, भगवत गीता का ये श्लोक का अनुवाद है, यदा यदा ही धर्मस्य, उसी का अनुवाद ये चौपाई है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा, आप सब लोग कथा सुनने आए हैं, ध्यान रखिए, किसी को भी भगवान मत कहा करिए। आजकल हम किसी से भी बात कर, हे प्रभु, हे भगवान। भगवान वो होता है जैसे धन जिसके पास है वो धनवान, रूप जिसके पास है वो रूपवान, बल जिसके पास है वो बलवान, पद जिसके पास है पदवान, जो जिसके पास है, जिसके पास बल है वो पहलवान बलवान। तो ये जो भगवत्ता है, भगवत्ता में छह चीजें आती हैं। आयु, जिसके पास आयु को कंट्रोल करने की शक्ति, हमारे पास नहीं है। आप बताओ, हम में से किसी का अपनी मृत्यु पर कंट्रोल है? तो जिसको आयु प्रदान करने की शक्ति है, जिसके पास अनंत आयु है, जिसके पास अनंत बल है, जिसके पास अनंत ज्ञान है, जिसके पास अनंत वैराग्य है, जिसके पास अनंत ऐश्वर्य है, वो भगवान है। वही हमको देता है, वही हमसे ले लेता है। जैसे बल दिया किसी को, अब कोई विश्व चैंपियन बना, 4 साल बाद दूसरा बन जाता है, सबके पास हमेशा तो नहीं रहता। महेंद्र सिंह धोनी इतने बढ़िया क्रिकेटर थे, रिटायर हो गए, अब विराट कोहली जी भी हो जाएंगे, पहले सचिन तेंदुलकर जी भी हो गए। उसने दिया लिमिटेड टाइम, जिसको जो मिलता है वो लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। छप्पर फाड़ के देता है भाई साहब, तो लेंटर तोड़ के उठा लेता है, वो उसकी लीला है। इसलिए वो जो ये छह चीजें देने में सक्षम है, कौन कौन सी छह चीजें, ऐश्वर्य, रूप, बल, ज्ञान, आयु और वैराग्य, ये छह चीजें जिसके पास अनंत हैं, वो भगवान है। और भगवान का अवतार छोटे मोटे कामों के लिए नहीं होता, इसलिए किसी को भी भगवान कहने की आवश्यकता नहीं। आप भगवान से ज्यादा पूजिए भले ही संतों को, गुरुओं को, औरों को, लेकिन भगवान मत कहिए। भगवान वो होता है जो पूरे संसार में अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करता है, हमने उसी को भगवान माना। भगवान श्री कृष्ण ने यह काम करके दिखाया, इसलिए उनको भगवान कहा गया। भगवान श्री राम ने यह काम किया, भगवान परशुराम ने किया, भगवान बामन ने किया, नरसिंह ने किया, भगवान बाराह ने किया, अब आगे भगवान कल्कि करेंगे, बस बाकी सब उनके अंशावतार। अवतार तो आप भी बैठे हैं उनके, हम लोग कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मंगल भवन अमंगल हारि, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारि। भारत की जनता बहुत श्रद्धावान है, इसलिए इस समय इस देश में 135 लोग भगवान अपने को घोषित किए हुए हैं, उनमें से कई तो जेल पहुंच गए, कई का नंबर आने वाला है। तो ऐसे कोई भगवान नहीं होता। भगवान वो होता है जिसके सामने आंख उठाने की किसी की औकात नहीं होती, तो उससे आंख मिला सकता है? भगवान नरसिंह आए उस समय, उनकी दहाड़ के आगे बड़े बड़े देवता कांप रहे थे, भगवान परशुराम के आगे हिम्मत थी किसी को खड़ा हो जाए?
भगवान राम भगवान कृष्ण, वो ऐसे नहीं होते कि उन्हें कोई दोनों हाथों में कील ठोक के टांग दे। बाकी सब भगवान के दूत हैं, उनके बेटे हो सकते हैं, उनके भक्त हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर रहे इसलिए मैंने निवेदन किया। पार्वती जी का अगला प्रश्न, कारण कौन कौन से होते हैं, आप जरा कमर सीधी करके बैठ जाइए। आपको मैं दुनिया के सबसे टॉप के भक्तों से हमारे गोस्वामी जी मिलवा रहे हैं। रामायण में भी और भागवत में भी जिनकी कथा एक नंबर पर गाई गई है उनका नाम है जय और विजय। ये दोनों भगवान विष्णु के बहुत प्रमुख गण हैं, उनके अत्यंत प्रिय हैं। और मैं इसलिए आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं कि मरने के बाद आप में से कोई भी यमराज के पास जाना नहीं चाहेगा। कोई ये नहीं चाहेगा कि हमें यमदूत लेने आए, सब ये चाहेंगे कि भगवान का विमान हमें लेने आए। अगर भगवान का विमान बुलाना चाहते हैं तो, अगर वैकुंठ जाना चाहते हैं तो बिना जय और विजय की परमिशन के एंट्री नहीं है। इसलिए जय और विजय से आप जरा प्रणाम करेंगे ठीक से तो उनको भी अच्छा लगेगा। आज मंगलवार है, जय और विजय भी भगवान के द्वारपाल हैं और श्री हनुमान जी भी भगवान के द्वारपाल हैं। एक बार जय और विजय को भी प्रणाम कर लें और श्री हनुमान जी को भी प्रणाम कर लें। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक कॉलेज में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज जी हनुमान जी पैसे लेते हैं क्या? मैंने कहा नहीं। बोले फिर ये चौपाई क्यों है, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, उनकी आज्ञा बिना पैसे के नहीं होती। मैंने उससे कहा बेटा पैसे का मतलब होता है मोहर। 2000 का नोट हो या 1 रुपए का सिक्का हो, अगर भारत सरकार की अशोक की लाठ की मोहर नहीं होगी तो उसकी मान्यता नहीं होगी। इसी प्रकार जिस भक्त की एप्लीकेशन पर श्री हनुमान जी की मोहर नहीं होगी, उसकी एप्लीकेशन भगवान के दरबार में फॉरवर्ड नहीं होगी। यही जय और विजय का हाल है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं वो लोग कौन है। वो लोग हैं जो हनुमान जी के समान, जैसे किसी मुख्यमंत्री का जो सबसे प्रमुख चीफ सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है, प्रदेश कैडर का सबसे वरिष्ठ आईएएस, ऐसे प्रधानमंत्री का, तो फिर भगवान का चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, जो सबसे योग्य होगा भक्ति में भी बल में भी गुणों में भी। तो जय और विजय जिनकी आप कथा सुनने जा रहे हैं कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। जैसे श्री हनुमान जी ज्ञानीनाम अग्रगण्य मतुलित बल धामम है, उसी प्रकार जय और विजय। परंतु कई बार कुछ गलती हो जाती है और ये कथाएं भी हमको इसलिए सुनाई जाती हैं क्योंकि हम अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख सकते। हमको चेहरा देखने के लिए एक दर्पण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कथा हमको एक दर्पण दिखाती है, कथावाचक को भी दिखाती है, श्रोता को भी दिखाती है। अब जितना हम उससे सीख सकें। ये जो जय और विजय हैं ये दुनिया के मेरिट लिस्ट में सबसे हाई लेवल के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा भक्त ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण भगवान ने पृथ्वी पर 4 बार अवतार लिया। पृथ्वी पर 4 बार भगवान ने अवतार केवल जय और विजय के लिए लिया है। अभी आप उस घटना को सुनने वाले हैं। इसलिए इनकी कथा श्रीमद् भागवत जी में भी नंबर 1 पर है और श्री रामायण जी में भी नंबर 1 पर है। एक बार सनकादिक ऋषि आए थे, उनका इन्होंने अपमान कर दिया। सनकादिक ऋषि से भी आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। पृथ्वी के पहले मनुष्य, हम सबके बड़े भैया,
यानी ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य को बनाया तो सबसे पहले चार मनुष्य बनाए, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इनको सनकादिक ऋषि कहा गया, लेकिन चारों ने कहा बाबा हमको माया के चक्कर में नहीं पड़ना, हम माया के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। बोले फिर कहां पड़ोगे? बोले मायापति के चरणों में। तो चारों केवल भजन करते हैं और पांच वर्ष के बच्चे की अवस्था में रहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी आयु के, लेकिन रहते हैं पांच वर्ष के बच्चे की अवस्था में। और चारों का जीवन कथा है और उन्हें श्रोताओं की भी जरूरत नहीं है। एक भाई कथा कहता है, तीन भाई सुनते हैं, फिर एक कहता है, फिर तीन सुनते हैं, यानी एक परमानेंट वक्ता, तीन परमानेंट श्रोता। ये सनकादिक ऋषि एक बार भगवान से मिलने जब बैकुंठ पधारे, आते रहते थे अक्सर, लेकिन इस बार पता नहीं जय और विजय की क्या खोपड़ी घूम गई। कभी कभी घूम जाती है सिक्योरिटी वालों की, कभी कभी जानबूझ के नहीं होता, हो जाता है। उन्होंने इनका अपमान कर दिया, कुछ कठोर शब्द इत्यादि बोले होंगे कि भाई परमिशन ली के नहीं ली। उन्होंने कहा भाई हम तो संत हैं, अब संतों का तो भगवान ही बाप है, संतों का कौन है? हमारे नीम करोरी बाबा थे फरुखाबाद के पास के, बिल्कुल फक्कड़, जिंदगी भर एक कंबल में ही रहे, लेकिन हनुमान जी के 400 मंदिर बनवाए अपने जीवन में, चीन की सीमा तक। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, टीटी ने कहा टिकट, बोले हम तो बाबा हैं, हम पे कहां टिकट, हम पे पैसा ही नहीं तो टिकट कहां से। बोले उतरो, बोले हम तो सीट पे भी नहीं बैठे, यहां बैठे हैं जहां लैट्रीन होती है ट्रेन की उसके पास। लेकिन वो टीटी भी कुछ ऐसा ही रहा होगा या कोई घटना होनी होगी, भगवान की इच्छा हनुमान जी की, उसने उतार दिया तो ट्रेन वहीं खराब हो गई, बड़ी नहीं आ गया। बहुत इंजीनियर बुला लिए, बहुत कोशिश कर ली, फिर क्षमा मांगी उनसे, बहुत अनुने विनय की। तब उन्होंने कहा अरे चलो लगाओ चाबी, तो स्टार्ट हो गई। तो उस स्टेशन का नाम ही उनके नाम पर नीम करोरी हो गया, हमेशा के लिए वो स्टेशन हो गया। अमेरिका में एप्पल कंपनी का मालिक, तब एप्पल कंपनी की स्थापना नहीं हुई थी, जिसका आईफोन सबसे महंगा बिकता है, आपने देखा होगा आईफोन पर एक कटे हुए सेब का निशान होता है। स्टीव जॉब्स जब वो बेरोजगार था तो वो उसने सुना किसी के मुंह से कि वो बाबा बड़े सिद्ध हैं, तो वो नैनीताल के पास कैंची में उनके आश्रम में आया, तीन चार महीने रहा, और जब वापस हुआ तो उसने कहा बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा ने उसे एक सेब दिया, उसने कहा बाबा पहले आप भोग लगाइए। तो बाबा ने एक सेब को उसको कट किया और उसको दे दिया, ले लेकिन एक वचन देना पड़ेगा बेटा। क्या? बोले जो भी बिजनेस करो वो नंबर एक का करना, इतनी बढ़िया चीज बनाना कि उसकी टक्कर की दूसरी चीज ना हो, भले ही कितनी महंगी हो। और वो आशीर्वाद लेकर गया, वो कटा हुआ सेब उसने खाया और उसने दुनिया का सबसे मजबूत फोन बनाया, एप्पल का आईफोन। आज भी जब वो उसका नया वर्जन लॉन्च होता है तो अमेरिका में लाइनें लगती है। वो स्टीव जॉब्स इतना प्रसिद्ध हो गया, ये इसलिए वहां बहुत लोग आते हैं विदेश से अभी भी आशीर्वाद लेने। आपके सुनील बंसल जी भी हमेशा बाबा की समाधि पे वृंदावन जाते हैं, बाबा की समाधि वृंदावन में ही। ये किसकी कृपा है? ये श्री हनुमान जी की कृपा है। इसलिए आज मंगलवार है, जरा हनुमान जी की कृपा लीजिए आप भी। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैसारे, जय 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 हनुमान गुसारे, कृपा करहु गुरु देव किराई। तो भगवान विष्णु के दोनों द्वारपालों ने संतों का अपमान, भाई संतों के माई बाप तो भगवान है। हमारे गोस्वामी जी ने कहा राम जगत के पिता हैं और संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो रहते राम निपूत। अरे राम का प्रचार कौन करता है? संत ही तो करते। इसलिए उन्होंने कहा भाई हमें अंदर जाने दो, हम तो हमेशा आते। भगवान ने हमसे कहा है जब आओ तो बेटा सीधे आना। इन्होंने कहा नहीं, परमिशन ली के नहीं। बोले भाई मुख्यमंत्री का बेटा अगर मुख्यमंत्री से मिलने आएगा तो परमिशन थोड़ी लेगा, दुनिया के लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन बेटा आएगा तो परमिशन लेगा। अब कुछ बात बढ़ी होगी तो इन्होंने कुछ डंडा वंडा दिखा दिया होगा।
बस उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि भगवान के साथ रहने लायक तुम बचे नहीं, भगवान संतों का इतना सम्मान करते हैं और आप संतों का अपमान कर रहे हैं, आप में अहंकार आ गया, हम आपको श्राप देते हैं कि आप राक्षस हो जाए। राक्षस होने का श्राप दे दिया। अब अंदर जो है ना सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वहां भगवान देख रहे थे। अच्छा वो भी बड़े कौतुकी हैं, पहले जब दोनों में गर्मा गर्मी हुई तो नहीं आए बाहर, जब श्राप हो गया तब आए और आके कहा मैं क्षमा मांगता हूं महाराज, मैं क्षमा मांगता हूं, आप नाराज मत होइए। ऋषियों ने कहा अब क्षमा मांगने से क्या फायदा, अब तो श्राप हो गया। क्या श्राप हुआ, अभी तक तो जय और विजय को लगा था कि हमें कोई सजा नहीं दे सकता, हम भगवान के चीफ सेक्रेटरी। लेकिन जैसे ही भगवान ने पूछा क्या श्राप दिया महाराज, बोले 7 जन्म इन दोनों को राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान ने हाथ जोड़े, मैं क्षमा मांग रहा हूं महाराज, क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुंह से निकली बोली और राइफल की गोली वापस नहीं आती। अब इन दोनों ने देखा कि ये तो भगवान भी क्षमा मांग रहे हैं इनसे, तो इसका मतलब अब हमारी माफी नहीं है। तो दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया भगवान का, रोवे सो रो। आखिर ये भी बड़े विद्वान लोग हैं, भगवान के सेक्रेटरी हैं, तो बहुत रोए। बहुत रोए तो भगवान ने ऋषियों से प्रार्थना की कि अच्छा ऐसा करिए, सजा में कुछ संशोधन कर दीजिए, कुछ कम हो जाए। इन्होंने कहा जी संशोधन तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी हैं, शर्तें हैं। अगर 7 जन्म ये राक्षस बनेंगे तो पूरी दुनिया में इनके फोटो लगेंगे, इनकी पूजा होगी और लोग इनको आदर्श मानेंगे, हीरो मानेंगे। लेकिन अगर 3 जन्म इनकी सजा को हम कर दें तो पूरी दुनिया में दशहरे के मेले पर इनके पुतले फूके जाएंगे, ये दुनिया के सबसे बड़े विलेन बनेंगे, लोग इनके सिर पे सींग दिखाए करेंगे, बड़े बड़े दांत दिखाएंगे, इनका ना स्वरूप रहेगा ना यश रहेगा। इनसे पूछिए इनको क्या पसंद है, 3 जन्म की 7 जन्म, 3 जन्म में इनको आपसे दुश्मनी करनी है, 7 जन्म में इनको आपसे तप करना है। अच्छा जरा समझ के देखिए, आपकी जिससे दोस्ती होती है वो आपको कभी कभी याद आता है, लेकिन जिससे दुश्मनी होती है वो हर समय आपकी खोपड़ी पर बैठा रहता है, आप उसी को याद करते रहते हैं। तो सुमिरन तो हुआ ना, भले ही दोस्ती में सुमिरन हुआ या दोस्त दुश्मनी में, भगवान का नाम आप चाहे दुश्मनी में लें चाहे दोस्ती में लें। भाव को भाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल निसी दस हूं, भाव को भाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल निसी दस हूं। दुश्मनी में ज्यादा आप याद करते हैं दुश्मन को, दोस्ती में कम याद करते हैं। तो ऋषियों ने कहा जितना सुमिरन ये 7 जन्म में भक्ति में करेंगे, 3 जन्म में उतना ही सुमिरन दुश्मनी में कर लेंगे। अब इनसे पूछ लीजिए इनको 7 जन्म चाहिए कि 3 जन्म। अब मैं आपसे पूछूं अगर के आप फैसला करिए, आप किस पक्ष में, 7 जन्म के कि 3 जन्म के? 3 जन्म। अच्छा 3 जन्म वाले हाथ खड़ा कर दो भैया जो 3 जन्म के पक्ष में। ले ओ, मुश्किल से 7-8 लोग हैं, आधी आबादी यानी मातृशक्ति वोटिंग में भाग नहीं लेंगी क्या? 7 जन्म की 3 जन्म आप में से कौन 3 जन्म के पक्ष में है? अच्छा इधर भी कुछ है उनके वोटर, और 7 जन्म वाले कौन है? अच्छा, और बाकी तो हिंदुस्तान की जनता है, जो जीत जाए उसी की जय जयकार है। अच्छा देखिए ये जो कथा लोग सुनने बैठे हैं, मैंने इनसे पूछा 7 जन्म की 3 जन्म, तो वोटिंग में मुश्किल से 100 लोगों ने भाग लिया। नहीं नहीं ध्यान और नहीं है, ये बड़े सब समझदार लोग हैं, ये जो वोट मांगने आएगा सबको हाँ करेंगे, और जो जीत जाएगा फिर उसी की जय जयकार। हिंदुस्तानी आदमी बहुत समझदार है। ऐसा हुआ एक होटल में 3 लोग चाय पीने गए, एक अमेरिकन, एक रशियन और एक इंडियन। चाय उस होटल की बहुत सुंदर बनती थी, जैसे आपका ये कौन है समोसे वाला, जो बंटी, बंटी समोसे वाले, तो चाणपुर के जो समोसे हैं,
ऐसी उस होटल की चाय बहुत प्रसिद्ध थी, तो एक अमेरिकन, एक रशियन, एक इंडियन, अब वेटर चाल आया तो वो तीन चाय रख गया, तीनों ने चाय पी, तो चाय वास्तव में बहुत अच्छी थी। तो अमेरिकन ने क्या किया कि अपना कप उल्टा कर दिया प्लेट में चाय पी के, रशियन ने सीधा रखा। अब हिंदुस्तानी आदमी देखे कि ऐसे करूं कि ऐसे करूं, अब ये तो नकलची है, अब सीधा करूं कि उल्टा करूं, तो इसने उसे कप को प्लेट में लिटा दिया। अब वेटर आया ना, तो वेटर बहुत हंसा, तो इनने पूछा भाई हंस क्यों रहे हो, उसने कहा आपकी ड्राइंग देखकर हंस रहा हूं कि एक कप सीधा, एक कप उल्टा, एक कप लेटा हुआ टेढ़ा। तो अमेरिकन ने कहा कि भाई चाय इतनी अच्छी थी कि एक कप चाय में तृप्ति हो गई, तो मैंने कप को उल्टा कर दिया कि अब नहीं चाहिए। रशियन ने कहा भाई चाय इतनी अच्छी थी कि एक कप चाय और मिल जाए, ऐसी इच्छा थी, इसलिए मैंने सीधा रखा कि चाय बचेगी तो और आ जाएगी। बोले साहब आप दोनों की बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो बाबूजी बैठे हैं आपने क्यों लिटा दिया? बोले भाई हम तो आ जाएगी तो पी लेंगे, नहीं तो लेट हुआ। तो भगवान ने अपने दोनों भक्तों से पूछा कि भाई सात जन्म चुनोगे कि तीन जन्म? दोनों ने कहा जी तीन जन्म। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक मिनट के लिए जरा गंभीरता पूर्वक इस विषय को सुन लें। ये देखिए प्रेम की बात है, प्रेम का जो मतलब होता है, श्री नारद जी से पूछा गया प्रेम का अर्थ क्या है, तो जो उन्होंने बोला उसको आप एक बार दोहराइए अपने श्री मुख से, बोलिए तत्सुखात सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। श्री नारद जी ने कहा कि जिससे आप प्रेम करते हैं आप उसके सुख में सुखी हो तब वो सच्चा प्रेम है, अगर बदले में अपने सुख की कामना आ गई तो वो प्रेम नहीं हुआ, वो व्यापार हो गया। मान लीजिए कोई पिता कहे कि भाई हमने तेरे लिए इतना किया, तूने हमारे लिए क्या किया, अगर बदले में लेने की भावना आ गई तो ये तो बिजनेस हो गया। कोई मां अपने बच्चों को रोटी खिलाती है तो उसके लिए बचे या ना बचे पहले बच्चों का पेट भरती है, क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है। एक पिता अपने लिए कपड़े नहीं सिलवाता, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है, अच्छा खिलाना चाहता है, अपने फटे हुए कुर्ते को ही बार बार सिल के पहनता रहता है, क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। एक देशभक्त वंदे मातरम के अगर फांसी का फंदा झूल जाता है भगत सिंह, वो अपना बलिदान करता है, क्यों? क्योंकि वो देश को प्रेम करता है। जिसने प्रेम किया उसने स्वयं के लिए नहीं मांगा, और स्वयं सुखात सुखित्वम इति वासना लक्षण, अगर बदले में अपने सुख की कामना है ये तो बिजनेस हो गया, वासना हो गई। तो इन दोनों का प्रेम देखिए आप, इन दोनों का इतना प्रेम है भगवान से कि इन्होंने कहा कि दुनिया के लोग चाहे हमारे पोस्टर पर थूके, चाहे हमारे पुतले फूके, चाहे दुनिया के कथावाचक हमारी निंदा करें, चाहे दशहरे के मेले में युगों युगों तक हमारे पुतले फूके जाएं, लेकिन हम सात जन्म इंतजार नहीं कर सकते प्रभु, हम तीन जन्म में ही आपके चरणों में आना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। इन्होंने कहा हमको दुनिया के सर्टिफिकेट नहीं लेने, हमको तो आपके चरणों की सेवा करनी है, इसलिए दुनिया क्या कहेगी इससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रेम है, और इनके प्रेम की भावना देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए, और भगवान ने ऋषियों के सामने कहा संकादिक ऋषियों, आपने इनको श्राप दिया राक्षस बनने का, मैं इनको वरदान देता हूं कि संसार में कोई इनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं होगा। जब ये राक्षस बनेंगे तो ये संसार के सबसे ऐश्वर्यशाली, सबसे बलशाली, सबसे हर मामले में सबसे टॉप, इनको कोई नहीं मार पाएगा, इनको मैं स्वयं अपने हाथ से आके मुक्त करूंगा, और ये तीन जन्म लेंगे मेरे लिए, मैं इनके लिए चार जन्म लूंगा। ये देखिए ये वरदान भगवान ने दिया। यही जय और विजय सत्युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनको भगवान ने बारह नरसिंह अवतार लिया, यही रावण कुंभकर्ण बने, और यही द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बने। तो ये कथा आप सब जानते हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से पंडाल के जितने भक्त विराजमान हैं, मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितना प्रेम आप भगवान को करेंगे, भगवान उससे भी कई गुना प्रेम आपसे करेंगे। जो तू आवे आठ पग तो मैं आऊं पग साठ, भगवान का ये प्रतिज्ञा है।
तो आइए दुनिया के नंबर एक के भक्तों को, जिनके लिए भगवान ने चार बार पृथ्वी पर अवतार लिया, जो श्री हनुमान जी की तरह भगवान को प्रिय हैं, उनको एक बार भाव से प्रणाम करें, क्योंकि बैकुंठ जाते समय हमको उनकी सिफारिश की आवश्यकता पड़ेगी, अपनी एप्लीकेशन पर उनके साइन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उनके सम्मान में एक बार खड़े हो जाएं और खड़े होकर एक भजन मेरे साथ ताली बजाकर प्रेम से। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, हाँ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। जितने भक्तों को आप इस संसार में जानते हैं वो सब वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को सच्चा प्रेम किया, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे नरसिंह भगत हो, चाहे संत रविदास हो, जितने भी भक्तों के आप नाम जानेंगे वो सच्चे प्रेम वाले लोग हैं। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी भक्ति ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी भक्ति ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मैं बुरा बहुत बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा, बुरा बहुत बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। जिस दिन रावण को सुपर्णखा ने कहा कि खरदूषण मारे गए, उसी दिन रावण की आंखों में आंसू आ गए, वो समझ गया कि भगवान का अवतार हो गया, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता खरदूषण मोहि संबलवंता, लेकिन वो समझ गया कि मुझसे भजन नहीं होगा, हो ही भजन न तामस दिया, अब तो लड़के ही मुक्ति पाऊंगा, देखना इनको मुक्ति के लिए अयोध्या नहीं आना पड़ा, अयोध्या नाथ को लंका जाना पड़ा, ये इनका सौभाग्य है। मैं बुरा बहुत बुरा हूं पर दास हूँ तुम्हारा, मैं बुरा बहुत बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा, मेरे पास खाली झोली मेरे पास है खजाना, मेरे पास खाली झोली मेरे पास है खजाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका, रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका। भक्त होता है वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, लोग
लोगों ने क्या कहा, सास कहे तुलनासी, लोग कहे मीरा भैरे बाबरी, लोगों ने तो मीरा को भी पागल कहा। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो लोगों की चिंता कहां करता है। मुझे इसका गम नहीं है क्या कहेगा ये जमाना, मुझे इसका गम नहीं है गाइए क्या कहेगा ये जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मुझे रास्ता गया है तेरे दर पे सर झुका, मुझे रास्ता गया है तेरे दर पे सर झुका। सबकी ताली, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि मरते समय हमको यमदूतों के दर्शन हो। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, आपने अच्छा जीवन जिया इसकी पहचान क्या है, इसकी एक ही पहचान है। सुखदेव जी परीक्षित को बोलते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान का सुमिरन हमको हो जाए तो समझ लीजिए हमारा जीवन धन्य है, हमने सही जीवन जिया। इसलिए आज मंगलवार है, राम गंगा के पवित्र तट पर आप हैं, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। मेरी आरजू यही है जब निकले तेरे दर पे, आरजू यही है जब निकले तेरे दर पे, अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना, अभी सांस चल रही है चले न जाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना, हरे राम हरे राम निवेदन है, झाड़ू लगाते पर, कपड़े धोते पर, आटा गूंथते पर, कुछ भी करते समय आप शरीर को लगाओ घर के कामों में और अपने मुख में अपने मन में हमेशा ये जपते रहो। और सभी पुरुषों से भी निवेदन है, साइकिल चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, कार चलाते, फावड़ा चलाते, नोट गिनते, जो भी करो मन मन में हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मुझे रास आ गया है तेरा ही नाम गाना, मुझे रास आ
पहला कारण भगवान शिव ने माता पार्वती को श्री भगवान के अवतार लेने का यानी श्री राम के जन्म का पहला कारण, राम के जन्म का भी बताया और रावण के जन्म का भी बताया। ध्यान दीजिए, जिन लोगों के पास तपस्या अधिक हो जाती है वो कई बार क्रोधी भी हो जाते हैं। अब इनसे पूछो कि भाई राक्षस का श्राप देने की क्या जरूरत थी? अब आप किसी को राक्षस बनाओगे तो किन्हें मारेगा है? आपको ही तो मारेगा। अरे पेड़ ही बनने का श्राप दे देते, कम से कम ऑक्सीजन देता। राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अब जितनी बार राक्षस बनने का श्राप दिया गया, ये जितने राक्षस बने इतने ऋषियों को मारा है इन्होंने, इसलिए सावधान। वैसे तो खैर आजकल कोई तब बप करता नहीं है इतना किसी में दम नहीं के श्राप दे दे, लेकिन तो भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो गायत्री पुरस्कार इत्यादि करते रहते हैं। उनसे भी निवेदन है, भैया किसी को श्राप व्राप देना हो तो वैसा मत देना कि राक्षस बने, नहीं तो मारेगा हमें ही वो। सबसे ज्यादा कथावाच को कोई मारा गो समझ लिखाते ही बहुविधि त्रास ही देश निकास ही जो कहे वेद पुराण। जो वेद पुराणों की कथा गाते थे उन्हीं को देश निकाला दिया रावण ने। तुम ही बढ़ाते हो भक्ति को। इस देश में एक बहुत बड़ा सेनापति था, उसका नाम था कृष्णदेव राय। ब्राह्मण था, बंगाल के नवाब का सेनापति था। बंगाल के नवाब की बिटिया से प्रेम हो गया, अभी 200-250 साल पहले की बात है। दोनों को प्रेम हो गया, विवाह करना चाहता था, जगन्नाथपुरी गया, वहां से भगा दिया गया कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनको याद नहीं आया कि आचार्य चाणक्य ने सेल्यूकस की हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से कराया था। हम अपने इतिहास को भूल गए। काशी आया, 7 दिन भूखा प्यासा काशी पड़ा रहा, काशी में भी भगा दिया गया। उस आदमी ने अपनी चोटी उखाड़ दी वही, और उसने कहा अब मैं देखता हूं। उसने विधर्म को कबूल किया और उसके बाद आज ये जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये जो पूरा बिहार बंगाल असम ये पूरा बांग्लादेश उसी अकेले की देन है। माताएं अपने बच्चों को सुलाती हैं बांग्लादेश में तो कहती हैं सो जाओ काला पहाड़ आ जाएगा, उसको काला पहाड़ के नाम से इतिहास में जाना गया। हम लोग यदि किसी को राक्षस बनाएंगे तो उसका फल हम भोगेंगे। जितने भी फल हम भोग रहे हैं अपने कर्मों के भोग रहे हैं, इसलिए इतिहास को सुन के स्मृति को सुधारना चाहिए। मैं अभी श्रृंगेरी गया था कर्नाटक में शंकराचार्य जी के दर्शन करने। 500 साल पहले एक शंकराचार्य हुए थे, उनका नाम था विद्यारण्य स्वामी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद उस राज्य के सबसे बड़े 2 सेनापतियों को उसने विधर्म में ले लिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन विद्यारण्य स्वामी दोनों के स्वयं घर गए और उनकी शुद्धि कराई, उनकी घर वापसी कराई। अगर विद्यारण्य स्वामी ये ना करते तो ये दक्षिण भारत आज हमारे पास ना होता, खत्म हो गया होता। लेकिन विद्यारण्य स्वामी की परंपरा को भूल गए, स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा को भूल। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद अपने पुत्रों को बुला के कहा कि ये संपत्ति अगर तुम कहो तो मैं धर्म के काम में लगा दूं। पुत्रों ने कहा लगा दो पिताजी, अपनी सारी संपत्ति लगा दी। तब ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय खड़ा हुआ, कितने लोग शुद्ध हुए। लेकिन पता नहीं अब केवल आश्रम का ही वैभव बनाने में लगे रहेंगे तो फिर संपत्ति के कारण जो घटनाएं होती है वो देखते हैं। इसलिए संत को चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की उस बात का याद रखें कि करतल भिक्षा तरतल वासा दिने दिने नवम नवम, पेड़ के नीचे सोना और हाथ में मांग के खाना और नित नए स्थान पर रुकना, रमता जोगी बहता पानी, समाज की शुद्धि के लिए प्रयास करना।
किसी को राक्षस नहीं बनाना। ये राक्षस कोई पराये थोड़ी है, अपने ही तो है। अरे कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति के पुत्र राक्षस हो गए, अदिति के पुत्र देवता हो गए। दूसरी कथा सुनाई, कश्यप अदिति महातप कीना, उनको भगवान ने वर दिया। तीसरी कथा सुनाई, अभी हमारी माताओं ने सबने करवा चौथ का व्रत रखा था, उसी से संबंधित कथा मैं आपको सुना रहा हूं। आपके सबके घर में तुलसी, आप में से कोई ऐसी नहीं जिनके घर तुलसी ना हो, और कार्तिक में तुलसी की विशेष पूजा है। एक कार्तिक में ये कथा सुनने का बड़ा फल है। ये जो पंजाब का एक शहर है जिसका नाम जालंधर है, जालंधर की जो पत्नी थी उसका नाम था वृंदा, और जालंधर ने पूरी दुनिया पर अधिकार कर लिया। बहुत वीर था, भगवान शिव का अंश था साक्षात, पूरी दुनिया को कब्जा कर लिया। राक्षस था, ऋषियों को मारता था। जालंधर को मारने के लिए सारे देवताओं ने प्रयास किए, कोई जीत नहीं पाया। यहां तक कि भगवान शिव भी, आइए इस चौपाई को गाइए, भगवान शिव युद्ध कर रहे हैं, कभी कभी उतरते हैं युद्ध के मैदान में। शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई नमारा, तनुज महाबल मरई नमारा, परम सती असुरा तेही बलताही न जितही पुरारी, तेही बलताही न पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी। पूरी रामायण में परम सती केवल एक स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है, और वो है जालंधर की पत्नी वृंदा। ये माताएं जो व्रत करती हैं खाली नहीं जाते हैं। बहुत सारी माताएं अभी कार्तिक स्नान कर रही होंगी, अहोई अष्टमी का व्रत करेंगी, अभी करवा चौथ का व्रत किया था। आपके द्वारा किया गया एक भी अनुष्ठान खाली नहीं जाता, उसका प्रभाव होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जालंधर की पत्नी, यानी भगवान शिव साक्षात महाकाल है, महामृत्युंजय है, लेकिन भगवान शिव भी उसको नहीं मार पाए। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, बार बार आईसीयू में एडमिट होगा लेकिन निकल आया, फिर खड़ा हो गया, मरा नहीं। क्यों? अपनी पत्नी के तप के बल के प्रभाव से। उसकी पत्नी परम सती है, यानी जितने भी गुण हो सकते हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करने के, वो सब 100 में से 110% है। ये पतियों के लिए भी है, कभी करवा चौथ पे अपनी आरती उतरवा के ऐसी बैठ जाओ। आपकी आरती इसलिए नहीं उतारी जाती कि आप देवता हो, आपकी आरती इसलिए उतारी जाती है कि आप देवता बने रहें। देवता के आसन से डिगे ना, ये हम लोगों की जो माल्यार्पण होता है ना, इसलिए नहीं होता कि हम बड़े सम्मानित हैं, इसलिए होता है कि आप धर्म के आसन पर हैं, तो बनाए रखना अपनी मर्यादा को। वृंदा के तप के बल के कारण जालंधर मरा नहीं, और उधर उसकी सेनाएं पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा रही थी। तब भगवान विष्णु ने उसके तप को नष्ट करने के लिए उसके साथ धोखा किया, छल किया। उन्होंने क्या किया कि जालंधर का नकली रूप बना के घर आ गए, जय जयकार हो गई, युद्ध जीत कर आ गए।
उनकी पत्नी ने सोचा, वृंदा ने सोचा, मेरे पति आ गए, तो उसने पति की आरती, वो तो देवता ही मानती थी भगवान को, अपने पति को ईश्वर का ही रूप मानती थी, पैर धोए, आरती उतारी, तिलक किया। अब ये पतिव्रता व्रत के नियमों में है कि स्पर्श नहीं करना पड़ेगा, तो जैसे ही पैर धोए स्पर्श किया तो नियम खंडित हुआ, नंबर कम हो गए, 100 में से 99% रह गए। उतने में ही महादेव ने युद्ध भूमि में उसका सिर उड़ा दिया, और कटा हुआ सिर लेकर जब उसके मंत्री थाली में रखकर लाए, अब वो चक्कर में पड़ गई कि जो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे हैं असली ये हैं कि सिर असली है। तो भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मैं तो नारायण हूं, अपने असली रूप में आ गए, तेरे तप के बल को नष्ट करने के लिए मैंने तेरे साथ छल किया। छल कर टारे उता सुव्रत प्रभु सुर कारज की। और जब उसको यह पता लगा कि भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, तो उसने भगवान को श्राप दिया। आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं ऐसा मैंने सुना, लेकिन आपने यह धर्म किया, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, आपकी बुद्धि में कीड़े पड़ गए, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर बनेंगे और उसमें भी कीड़ा पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं तेरे श्राप को स्वीकार करता हूं, लेकिन अब तू यह बता कि तू धर्म और अधर्म को जानती है, तू धर्म पर इतना बड़ा प्रवचन जो कर रही है, यू नो क्या धर्म है क्या अधर्म है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप धर्म की शिक्षा लेने आए हैं। धर्म माने क्या होता है? आप अगर पुण्य कर रहे हैं, आप अगर तप कर रहे हैं, तो आपके तप के बल से पृथ्वी पर क्या बढ़ना चाहिए, पुण्य की पाप है? किसी बच्चे से भी पूछेंगे, कहेगा पुण्य बढ़ना चाहिए, कहेगा सत्कर्म बढ़ने चाहिए, सद्गुण बढ़ने चाहिए। लेकिन उन्होंने वृंदा से कहा कि तू जो तप कर रही है उससे पृथ्वी पर दुर्गुण बढ़ रहे हैं, पाप कर्म बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहा है, तुझे अपने पतिव्रत की इतनी चिंता है, और तेरे पति की सेनाओं के सैनिकों ने, राक्षसों ने दुनिया की करोड़ों महिलाओं के पतिव्रत को नष्ट कर दिया, उनकी तुझे चिंता नहीं है, करोड़ों गायों का वध कर दिया, हजारों ऋषि मार दिए, तेरे तप ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया और इसकी जिम्मेदार तू है। उसकी आंखें खुल गई, उसने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, ये जो दुनिया के रिश्ते हैं, पति पत्नी बेटा बाप, ये शरीर के रिश्ते हैं, परमानेंट रिश्ता भगवान से है, यदि शरीर का रिश्ता धर्म के विरोध में जाता है तो उससे हाथ जोड़ लो, उसको बढ़ाओ तो मत कम से कम, नहीं तो धृतराष्ट्र कहलाओगे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को बढ़ाने के चक्कर में कितना पाप किया। तो धर्म और अधर्म की व्याख्या बहुत बारीक है भैया, बहुत पतली लाइन है। जिन भी कर्मों से, जिन भी अनुष्ठानों से लोगों के अंदर प्रेम बढ़ता हो, सद्गुण बढ़ते हो, पृथ्वी पर सत्कर्म बढ़ते हो, पर्यावरण शुद्ध होता हो, वो सभी कर्म धर्म है। धर्म का मतलब ये पूजा पाठ नहीं होता, ये तिलक इत्यादि लगाना धर्म नहीं है, ये धर्म की ओर बढ़ाने के साधन है। धर्म का मतलब आपके जीवन में यम नियम अपरिग्रह सत्य, ये सब धर्म के लक्षण है। क्षमा हो, पवित्रता हो, दया हो, धर्म के चार लक्षण, चार चरण भागवत जी में बताए। एक बार मेरे पीछे बोल लीजिए, बोले तपः सत्यम दया शौचम, यानी तप सत्य दया और पवित्रता, ये चार लक्षण धर्म के। वृंदा ने क्षमा मांगी, कहा प्रभु आप ही सबके प्राणपति हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी विधि में दया में तुमको मैं कुमति। भगवान ने कहा अब तूने मुझे श्राप दे दिया कि मैं पत्थर बनूं, तो मैं नारायणी नदी में, गंडकी नदी में जो नेपाल के दामोदर कुंड से निकलती है, जो गोरखपुर के आगे बहती है, बिहार की सीमा बनाती है, उस दामोदर कुंड से मैं प्रकट होऊंगा शालिग्राम के रूप में, और तू प्रकट होगी तुलसा के रूप में, और देवोत्थान एकादशी के दिन जो तुलसा और शालिग्राम का विवाह कराएंगे उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो तब से वो तुलसी महारानी हो गई, सबके घर घर में आ गई, मैं तुलसी तेरे आंगन की, पहले फिल्म भी आई थी।
देखिए तुलसी बनने का कितना पुण्य होता है। स्मृति ईरानी जी पहले सीरियल में तुलसी बनी, देखो कहां से कहां पहुंच गई। आप तुलसी का पूजन करोगे तो आपका भी भाग्य बढ़ेगा। कार्तिक में भजन गाती है माताएं, तुलसी का भजन गाती है कोई? आपके घर में तुलसी का पूजन होता है, तुलसी का भजन गाती है? याद है, गाओगी? अरे गा दो, दो लाइन देना भैया माइक देना। कौन गाएंगी, कौन सी बहन जी? अरे गाओगी तो बहुत पुण्य मिलेगा, चूंकि आपके साथ हजारों लोग गाएंगे। दो लाइन गा दीजिए। आप गाएंगी बहन जी? हाँ दे दो। अरे ऐसे कैसे धर्म बढ़ेगा फिर? हाँ गा दीजिए। अरे शर्म आ रही हो तो घूंघट मार के गा दो। हमारे गांव में जब लड़ाई हो तो बहू को गाली देनी हो तो घूंघट मार के घूंघट में से दे, उसमें काहे की नहीं गा रही। आप गाएंगे बहन जी? कौन गाएंगी? अच्छा बेटा, हाँ बेटे गाओ बेटा। भजन नहीं आता, श्लोक आता है जी का। आ, सुना दो। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी। एक एक करके बोलो तो पूरा पंडाल दोहराएगा, इस बिटिया के पीछे सब दोहराइए। महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते, तुलसी त्वं नमोस्तुते। जोरदार तालियां बिटिया के लिए हो जाए। दो मिनट नारायण का स्मरण कर लें, क्योंकि नारायण का हमने नाम लिया। ये शालिग्राम की जो शिला होती है उसमें आपने देखा होगा गोल गोल चक्र बना होता है, वो उसमें कीड़ा लगता है जो उसको खाता है, उस पत्थर को खाता है, उसी से वो धारियां बन जाती है। हर शालिग्राम के अंदर सोना होता है, बहुत बहुत कम मिल पाते हैं, बाकी को तो नेपाल के सैनिक तोड़ के सोना निकाल लेते हैं, इसलिए कम मिल पाते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है हिरण्य नाभा, हिरण्य गर्भा, क्योंकि उनके गर्भ में स्वर्ण है। तो जरा भाव से दो मिनट के लिए। भज मन नारायण नारायण नारायण, करते चलिए। जो कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ग्रणोध्वजा, आज मंगलवार ही है, अभी जन्म भी होने वाला है राम जी का, मंगलवार के दिन कौन से रूप का ध्यान करेंगे? शांताकारम भुजग शयनम, इसका मतलब क्या है? जो शेष नाग के ऊपर भी शांत है, जरा कल्पना करिए, अभी आपके पंडाल में एक नाग देवता निकल आए तो क्या आप शांति से सुन पाएंगे?
और आपके घर में एक नाग देवता फुंकार रहे हो तो क्या सो पाएंगे? और बेडरूम में ही हो तो, और बेड पर ही बैठ गए हो तो, लेकिन वो तो नाग के ऊपर भी शांति से सो रहे हैं। वो है शांताकारम भुजग शैनम और हम लोग हैं अशांताकारम डनलप शैनम। वो नाग के ऊपर भी शांत हैं और दुनिया को डनलप के गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही है। उनका ध्यान करेंगे शांत हो जाएंगे। करिए सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 हे राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भगवान की। ध्यान दीजिए, धर्म और अधर्म को ठीक से समझ लीजिए। अगर पूरी कथा में कोई बात समझ में ना आए तो चिंता मत करिए, बस धर्म और अधर्म आपकी समझ में आ गया तो आनंद हो गया। आपके द्वारा पृथ्वी पर अधर्म ना बढ़े, आपके द्वारा पृथ्वी पर धर्म बढ़े, ऐसा प्रयास करिए। भगवान जिस समय अर्जुन के हाथों से कर्ण को मरवा रहे थे, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया था, और यह धर्म का नियम है कि जो रथ से नीचे हो उस पर वार नहीं किया जाता, निहत्थे पर वार नहीं होता। अब तो कलयुग में तो कोई नियम ही नहीं बचा, लेकिन उस समय तक मॉरल वैल्यूज थी लोगों में। तो कर्ण रथ का पहिया निकाल रहा था, उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन मार इसको, इसी समय मरेगा। भाई साहब अर्जुन बाण चढ़ाए हुए इस समय, बैठ जाओ आप भी, झंझट हो जाएगा। जिस समय कर्ण पहिया निकाल रहा है उसी समय आप क्या हो, मार इसको। अर्जुन ने कहा अधर्म हो जाएगा गोविंद, अधर्म हो जाएगा। भगवान ने कहा तू प्रश्न बहुत करता है, तूने भगवद गीता में भी 85 प्रश्न मुझसे किए, बात नहीं मानता, मार इसको, फिर नहीं मरेगा। बहन जी बहन जी अभी बैठ जाओ, बाण चलने वाला है। बे केला लंगार नहीं है, केला बाद में निकाली हो अभी। अर्जुन ने बाण चढ़ाया, जब भगवान ने डांटा उसको कि 700 श्लोक बोलने पड़े मुझे भगवत गीता में तुझे समझाने के लिए, बार बार प्रश्न पूछता है। जैसे बाण चढ़ाया कर्ण का, गोविंद आप धर्म के लिए अवतार लिए, धर्म है तो अवतरे गुसाई, मुझे मरवा रहे हैं ऐसे। भगवान ने कहा आप धर्म पर प्रवचन कर रहा है। जिस समय पांडवों को लाक्षागृह में जला के मारने का षड्यंत्र हुआ तुझे धर्म याद नहीं आया, तुझे पता थी घटना? जुए में हराया गया, द्रौपदी की साड़ी खींची गई, तू बैठा रहा। मैं फैसला कराने आया कि भाई 5 गांव दे दो, तब तू नहीं बोला। और अभी कल 16 साल के अभिमन्यु को तुम 7 महारथियों ने घेर कर मारा, उस बच्चे का भी रथ टूट गया था, उसने अकेले अकेले तुम 7 को हराया, और उसने तुझे ललकारा महाबली कर्ण, तुम तो जानते हो वीरता, मैं निहत्था हूं, मुझ पर वार मत करो। लेकिन तू लगातार उस पर बाण मारता रहा और तेरी आंखों के सामने दुशासन के बेटे ने उसके सिर पर पीछे से गदा का प्रहार किया, उस बच्चे को तूने मरवाया, तुझे धर्म याद नहीं आया, आज तेरी मौत पर धर्म याद। मार अर्जुन, मरवा दिया भगवान ने। भगवान जानते हैं धर्म और अधर्म। ये सूरज का बेटा होकर अंधे के बेटे की सहायता में ये धरती पर पाप को बढ़वाना चाहता है। हम भी कई बार सूरज के बेटे होते हैं, हम भी कई बार गायत्री जपते हैं,
हम भी कई बार घर में रामायण पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन सहयोग हमेशा पापियों का ही करते हैं, जो धरती पर पाप को बढ़ा रहे हैं, जो धरती पर तमाम प्रकार के दुर्गुणों को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप जागिए, अपने अंदर धर्म और अधर्म का विवेक जागृत करिए, और जिसके द्वारा धरती पर धर्म बढ़ सकता हो, सद्गुण बढ़ सकते हो, संस्कार बढ़ सकते हो, गौ रक्षा हो सकती हो, धर्म की रक्षा हो सकती हो, ये हमारे विवेक का विषय है और यही रामायण सिखाती है। इसलिए हमारे बहुत बड़े संत रामायण के बारे में बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, दो पंक्ति मेरे साथ। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पीछे वाले भैया ताली बजा के सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ कभी वेदों के सागर में, कभी की ताती गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी की ताती गंगा में, कभी संतों के अमृत को पिलाती रोज क्षेत्र है। दुनिया में जो भी रामलीला होती है उसमें राधे श्याम कथावाचक जी की रामायण गाई जाती है, और राधे श्याम जी इसी बरेली की भूमि से जन्म लिए हैं, इसी रामगंगा के बेटे हैं। यही मुरादाबाद में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी की टीका पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप सब इसी रामगंगा के और रामायण के बेटे, इसलिए गाइए। जिन्हें संसार सागर से शिव माता पार्वती को श्री राम जन्म के कारण सुना रहे हैं। यही जलंधर बाद में रावण बना। रनहते राम परम पद दयउ तहां जलंधर रावण भयउ। मैं आपको निवेदन करूंगा कि कभी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं तो अपने पुराने तीर्थों को भी याद रखें। आजकल लोग नए नए के चक्कर में पुरानों को भूल रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी जो शक्तिपीठ है उत्तर भारत की, उत्तर भारत में मां की 13 शक्तिपीठ है, जिसमें सबसे प्रधान शक्तिपीठ जालंधर में देवी का तालाब। देवी का तालाब जो जालंधर में है वो मां की सबसे बड़ी शक्तिपीठ है, जो मां तुलसी की है, वृंदा की। उसका दर्शन जरूर करें। सुनाई अब नारद जी का मैं बहुत वो नहीं करूंगा। भगवान ने ना जिन लोगों को भगवान भक्ति के काम में लगाना चाहते हैं कई बार उनको शादी से बचा लेते हैं। नारद जी की शादी नहीं होने दी, एक बार इच्छा भी हुई तो उनका बंदर का रूप दे दिया। तो कुछ लोगों के पैर में चक्कर बहुत होता है, भगवान चाहते हैं घूमते रहें घूमते रहें,
भक्ति का प्रचार करते रहे। ध्यान रखिएगा, नारद जी भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक ऋषि हैं। इस पृथ्वी पर उनसे बड़ा प्रचारक ऋषि नहीं हुआ। जरा नारद जी आए तो एक बार जयकारा लगा दिए। बोल नारद जी महाराज की जय। नारद जी भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक हैं। ये जो केला बचा है आपके लिए बचा है, प्रसाद रख लीजिए। देखिए श्री वाल्मीकि जी को युद्ध से हटाकर ऋषि बनाने का काम और रामायण की कथा कहलाने का काम किसने किया? नारद जी ने। श्री व्यास जी को महाभारत की रचना के बाद जब व्यास जी को शांति नहीं मिली तो उनके मुख से भगवत गुणगान करवाने का, भागवत की रचना का काम किसने किया? नारद जी ने। ध्रुव के गुरु कौन है? नारद जी। प्रहलाद के गुरु कौन है? नारद जी। मैं यहां जितने विद्वान लोग बैठे आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब नारद जी का संकल्प अपने हृदय में धारण करें। नारद जी के जीवन की एक प्रतिज्ञा है कि मैं दुनिया के प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शुद्ध ज्ञान को और भगवान की भक्ति को स्थापित करूंगा। एक बार मेरे साथ दोहराइए, बोलिए तस्मिन त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। ये नारद जी की प्रतिज्ञा है और उसमें वो लगातार लगे हैं और वो देश की नई पीढ़ी पर काम करते हैं, बच्चों पर। जिसने भी परिवर्तन किया देश में उसने नई पीढ़ी पर काम किया। चाणक्य ने नई पीढ़ी को तैयार किया, समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र के 1800 गांव में अखाड़े खोलकर नई पीढ़ी को तैयार किया जिसका नेतृत्व शिवाजी को सौंपा। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी नई पीढ़ी को तैयार किया, छोटे बच्चों को खिलाकर आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया। जिसने भी दुनिया में अच्छे लोग, अच्छा वातावरण बनाने का जिसके मन में इच्छा है उसको नई पीढ़ी के बच्चों पर संस्कार का प्रयास करना चाहिए। ये नारद जी सिखा रहे। उन्होंने दुनिया के सबसे तेजस्वी दिमाग पर काम किया, व्यास जी पर और वाल्मीकि जी पर। जितने शिक्षक बैठे हैं यहां, मेरा सभी शिक्षकों से निवेदन है हर शिक्षक के अंदर क्रांति होती है। अगर शिक्षक चाहे तो हर साल उसके द्वारा कई सौ बच्चे पढ़ाए जाते हैं। वो चाहे तो बच्चों को राम लक्ष्मण जैसा बना सकते हैं, विश्वामित्र हो सकते हैं। मनु महाराज ने तप किया नैमिषारण्य ने जाकर, भगवान ने उनको वरदान दिया कि मैं आपका बेटा बनूंगा। देखिए आपके कितने पास है, बरेली से तो सीतापुर है ही कितनी दूर, मुश्किल से 150 किलोमीटर हो। नैमिषारण्य मनु महाराज को वैराग्य हुआ और वो अपनी पत्नी के साथ नैमिषारण्य में तप करने गए। यहां जितने सफेद बाल वाले लोग बैठे हैं वो ध्यान से सुने, या जिन्होंने अपने बाल सफेद कर लिए हैं, सफेद को काले कर लिए हैं, वो भी ध्यान से सुने, एक बार प्रणाम कर लें। क्योंकि हम सबके जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो कौन है? मनु महाराज। कई लोग मनु महाराज को कुछ भी बोलने लगते हैं, लेकिन जो मनु की संतान अपने को नहीं मानते वो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार फिर बंदर की संतान है ना भाई। डार्विन ने यह कहा, भारत की किताब में अभी तक क्या पढ़ाया जाता है कि मनुष्य बंदर से बना, अब क्यों बनना बंद हो गया? या अगर बंदर से मनुष्य बना तो फिर बंदर कहां से रह गए? बंदर तो मनुष्य बन जाने चाहिए थे। इतनी बेवकूफी की बात, अपने शास्त्र को नहीं मानना। दुनिया के किसी भी विकसित देश में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, सारे वैज्ञानिकों ने रिजेक्ट कर दी, लेकिन भारत में अभी भी वही चल रही है। अब नई शिक्षा नीति में ठीक होगी, लेकिन ठीक करने में कितने साल लग गए? 7 साल हो गए। पूरी दुनिया के व्यक्ति को मनुष्य बोलते हैं, अरबी भाषा में मुसलमान बोलते हैं, वहां भी मैन है। ये मुसल्ला बोलते हैं कंधे पर जो अंगवस्त्र डाला जाता है, अंगवस्त्र कंधे पर पहनने वाला मनुष्य, अंगवस्त्र हमारे यहां बहुत पवित्र माना जाता है, वो बहुत पवित्र शब्द है। अंग्रेजी में मैन बोलते हैं, मानव की शॉर्ट फॉर्म ही मैन है, MANAV, मानव, MAN मैन। अगर आप यूरोप के लोगों से पूछेंगे
कि आपके फोर फादर्स कौन थे, आपके आदि पुरुष कौन थे, वो कहेंगे मिस्टर एडम, ADAM एडम। और अरब के लोगों से पूछेंगे कौन है, तो वो कहेंगे आदम, ADAM आदम। एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। और आप कहेंगे आदि मनु। पूरी दुनिया के, बहन जी बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी कथा सुन लो। केला देख के मुंह में और पानी आ जाए। अभी आरती के समय सब चढ़ा देना, चिंता ना करो। ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में जो तीन सबसे बड़े ग्रुप हैं मान्यता वाले, वो एक एदम बोल रहा है, एक आदम बोल रहा है और एक आदि मनु बोल रहा है। क्या अंतर है साहब? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मनु महाराज की छठी पीढ़ी में महाराज नाभि के सातों पुत्रों ने पृथ्वी के सातों महाद्वीपों पर मानव जाति का विस्तार किया। सब अपने, आप डीएनए चेक करा लो। अभी परम पूज्य सरसंग चालक जी ने इतना बढ़िया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा भाई कोई पराया नहीं, सब अपने, आप डीएनए चेक करा लो, सबके बुजुर्ग। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि दुनिया के जितने मानव है वो सब सप्तऋषियों और मनु महाराज की संतान है। पहले हमारे यहां गुण और कर्म से वर्ण होते थे, अभी दोष आ गया व्यवस्था में, नहीं तो गुण कर्म विभाक्षा। भगवान गीता में बोल रहे चातुर्वर्ण्य मया सृष्टो गुण कर्म विभाक्षा, हम सब ऋषियों की संतान है। वो मनु महाराज जो आदि मनु है, पृथ्वी के पहले सम्राट, वो जैसे ही बूढ़े हुए उनको वैराग्य हो गया। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगत बिनु, होइ न विषय विराग भवन बसत भाग चौथ पन। मुझे रहते रहते महल में राज्य शासन करते करते बुढ़ापा आ गया, 75 साल से ऊपर का हो गया, लेकिन मेरे मन में वैराग्य नहीं हुआ। उस दिन ऐसा वैराग्य हुआ कि मनु महाराज उसी क्षण राजधानी छोड़कर निकल गए नैमिषारण्य। मंत्री ने कहा महाराज आप नहीं जा सकते, आपका बड़ा बेटा घर पर नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बड़ा नहीं है तो छोटे का तिलक कर देता हूं। छोटे को तिलक दे दिया, उत्तानपाद को राजा बना दिया, चले गए। धर्मपत्नी साथ में गई, उन्होंने समझाया मैं तो कब से कह रही थी आप ही नहीं छोड़ रहे थे। तो ये वैराग्य होना चाहिए, जिस दिन भगवान सफेद बाल कर दे उस दिन समझ लेना सफेद रूमाल आ गया ऊपर। अब जो बाद में सफेद कपड़ा है वो शरीर पर जो उड़ाया जाएगा अंत में वो आने वाला है, तैयारी करनी शुरू करें। ये सफेद बाल कह रहे हैं काले से सफेद की ओर बढ़े। तमसोमा ज्योतिर्गमे असतोमा सदगमे मृत्योर्मा अमृतम गमे, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर। ये जितनी माया है ये सब जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म की ओर बढ़े। मनु महाराज ने नैमिषारण्य में जाके तप किया। एक बार नैमिषारण्य को और प्रणाम कर ले, तीर्थ वर नैमिष बे क्या था, ए तीर्थ वर नैमिष बे क्या था, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि पहुँचे जाई हेनुमति तीरा, हरषि नहाने निर्मल नीरा, मंगल भवन का मंगल स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नरसृष्टि अनुपा। ये कितने भाग्यशाली हैं बरेली क्षेत्र के लोग, आप ही के क्षेत्र से गोमती नदी निकली है, पूरनपुर से, पूरनपुर के पास यहीं से पीलीभीत जिले से, उसी गोमती नदी में स्नान करते। गंगा जी तो बहुत नहीं है, गंगा जी तो भी सप्तम मनवंतर में महाराज भगीरथ लाए हैं, लेकिन गोमती तो तब से है जब से सृष्टि की शुरुआत हुई। यही मनु महाराज त्रेता युग में दशरथ जी और कौशल्या जी बने, दोनों पति पत्नी, भगवान इनके पुत्र बने। भगवान शिव कथाएं सुना रहे हैं, माता पार्वती ने कहा अब जल्दी से राम जन्म करा दो, बहुत देर रह गई अब घुटना, जो लोग नीचे बैठते हैं उनके घुटने भी थोड़ी देर में। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करिए,
उन्होंने कहा जब ये दशरथ कौशल्या बने, इतने धर्मात्मा थे, इनको कहा गया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। ध्यान रखिए, 10 नंबर की जर्सी पहनने का अधिकार केवल उस खिलाड़ी को होता है जो किसी भी खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को 10 नंबर की जर्सी मिली थी, अभी तक और किसी को मिली नहीं। और फुटबॉल में मैसी 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं। रामायण में 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले दो सुपरस्टार हैं, एक हैं दशरथ और एक हैं दशानंद। दोनों के नाम में 10 जुड़ा हुआ है। भगवान दोनों के आंगन में जाते हैं, एक के आंगन में विहार करते हैं और एक के आंगन में विनाश करते हैं। यह रामायण को समझना है तो दशरथ और दशानंद के बीच की कहानी है। हम सबको भगवान हमारी बुद्धि को स्वतंत्र किए हैं, हमको मानव शरीर देकर। कुछ लोग कहते हैं जो हो रहा है भगवान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं आपसे गुटखा खाओ, भगवान कह रहे हैं आपसे ठेके पे जाओ, क्या छोटी छोटी बातों को। भगवान इतना करते हैं कि आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके माता पिता तय करते हैं, आपके पति पत्नी तय करते हैं, आपके घर कौन बच्चे होंगे वो तय करते हैं, और आप क्या कर्म करेंगे वो तय करते हैं। मैं आज कथा कह रहा हूं तो भगवान ने तय किया, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर मैं धर्म का दुरुपयोग भी कर सकता हूं और सदुपयोग भी कर सकता हूं, यह मेरा विवेक है। भगवान ने जिसको जो सीट दी है, किसी को शिक्षक बनाया, किसी को व्यापारी बनाया, किसी को किसान बनाया, किसी को योद्धा बनाया, उसका अपना विवेक है कि वो उसका सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है। यह आपकी बुद्धि को स्वतंत्र किया है, तो ये ध्यान में रखिए। ये बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, दशरथ और दशानन के बीच की कहानी है। दशरथ माने ये आप सबका जो शरीर है ये 10 इंद्रियों का है, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां। जिनका 10 इंद्रियों पर नियंत्रण है वो दशरथ है, और जिनकी 10 इंद्रियां नियंत्रण के बाहर हैं, पाप में लगी हैं, वो दशानन है। इसलिए भगवान किनके घर आए? आप भी अपने आंगन में भगवान को बुलाना चाहते हैं तो दशरथ जी का एक श्लोक मेरे साथ बोलिए, सभी माताएं बोलिए, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। ज्ञान की कौशल्या, भक्ति की सुमित्रा और कर्म की कैकेयी जिस घर में है, जहां चारों वेदों के साक्षात मर्यादा स्वरूप महाराज दशरथ हैं, उस घर में भगवान स्वयं पधारते हैं। आपका आंगन भी ऐसा बने, ऐसा संकल्प हम सब लोग करें। इसलिए रामायण की सबसे प्रसिद्ध चौपाई यही हुई, दशरथ जी के आंगन वाली जो अजर माने आंगन। गाइए सब मेरे साथ, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाउ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति पति सारंग पानी। दशरथ जी बहुत धर्मात्मा राजा, आज तक कोई चक्रवर्ती सम्राट ऐसा नहीं हुआ जिसके आंगन में परमात्मा का अवतार हुआ, ये दशरथ जी। लेकिन इनको एक शोक है कि इनके घर कोई पुत्र नहीं है। किसी से कहा नहीं जाकर, गुरु के पास गए। आप अपनी बात को वहां रखिए जहां व्यक्ति सक्षम हो समस्या के समाधान में। गुरु ने कहा चिंता मत करो, धरो धीर हो यही सुतचारी, एक नहीं 4 बच्चे होंगे और सामान्य नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। दशरथ जी ने कहा कैसे होंगे महाराज, अब तो हम बूढ़े हैं गए। गुरु ने कहा यज्ञ से होंगे, श्रृंग ऋषि आएंगे। श्रृंग ऋषि आए, श्रृंग ऋषि कहीं नहीं जाते थे, केवल वशिष्ठ जी के बुलाने पे आए, क्योंकि वशिष्ठ दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। बड़ वशिष्ठ समकोचक माई, वशिष्ठ ही यजमान बने। दशरथ जी के महल में नहीं आए, महल से 50 किलोमीटर दूर जंगल में मनोरमा नदी के तट पर हवन हुआ, आज भी उस स्थान को मखौड़ा बोलते हैं।
मख माने, मख माने यज्ञ, यज्ञ की भूमि, वहां यज्ञ हुआ। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ शुरू किया, गुरु वशिष्ठ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे परमात्मा, मैं रघुवंश का पुरोहित इसलिए बना कि मैं भगवान का गुरु बनूंगा, भगवान कब आएंगे? एक एक आहुति आंखों में आंसू भर के डाल रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरु कर दीने। आये श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जैसे ही पूर्णाहुति पड़ी, ओम सर्वव्यय पूर्णत्वम स्वाहा, वैसे यज्ञ कुंड से यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा सीधा दशरथ जी को दिया, गुरु वशिष्ठ को दिया। अंतर ध्यान, ना फोटो खिंचवाया ना सेल्फी करवाई, कुछ नहीं। दिया जाए तो ऐसे दिया जाए। गुरु ने अपने शिष्य को राजा दशरथ को कहा, यह खीर दी है यज्ञ नारायण ने। देखिए त्रेता युग में यज्ञ की महिमा थी, कलयुग में कथा की महिमा है, हर युग में अलग अलग महिमा होती है। यज्ञ से भगवान प्रकट हुए, कहा तीनों रानियों को यह खीर बांटो, कौशल्या को इसमें से आधी देना, शेष आधी के दो भाग करना, उसमें से आधा भाग कैकेयी को देना और शेष के दो भाग फिर करना, वो दोनों भाग दोनों को देना। दोनों रानियों ने वो छोटे छोटे भाग सुमित्रा जी को दिए। महाराज श्रृंगी ने तीनों रानियों की बैठक की और कहा, सुनो मैं आज तक किसी के घर नहीं गया, मैंने कहीं यज्ञ नहीं कराया, मैं पहली बार आपके यहां इसलिए आया हूं कि आप रघुवंश की मां हैं, आपका वंश दिव्य है, आपके वंश में इतने बड़े बड़े महापुरुष आए हैं अब तक, राजा हरिश्चंद्र जैसे, महाराज दिलीप जैसे, महाराज भगीरथ जैसे, आपके घर में महापुरुष उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐशो आराम में रहोगी तो नहीं होंगे, आपको तप करना पड़ेगा 9 महीने। चूंकि गर्भवती मां जैसा चिंतन करती है, जैसा मनन करती है, जैसा भोजन करती है, जैसा सोचती है बोलती है, वैसा ही असर उसके बच्चे पर आता है। माताओं ने 9 महीने का संकल्प किया, 9 महीने नित्य गुरु वशिष्ठ उनको दिव्य दिव्य कथाएं सुनाते हैं, पूरे उनके घर में श्रेष्ठ महापुरुषों के चित्र लगे हैं। हम लोग घर में जाते हैं, किसी के घर में दिखाई नहीं पड़ते, आपके घर में लगने चाहिए। शिवाजी, महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके फोटो लगे घर में। स्वामी विवेकानंद, कोई आए तो लगे कि हां किसी महापुरुष का घर है। तो ये जैसे आपके घर में चिंतन होगा वैसे ही तो चित्र लगेंगे। माताओं ने 9 महीने दिव्य तप किया, भगवान आ गए और भगवान प्रकट होने वाले हैं। पूरी अयोध्या में जैसे कुंभ में नागा साधु स्नान करने आते हैं, बड़े बड़े दिव्य, बड़े दिव्य दिव्य संत अयोध्या में दिखाई पड़ते हैं। लोग पूछते हैं आप कहां से आए, बोले भैया हिमालय की गुफा में तप कर रहे थे, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं उनका दर्शन करने आए। तो जैसे ही नौमी तिथि आई, चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी, अगर आप कभी अयोध्या ना गए हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार रामनवमी पर अयोध्या जरूर जाइए। आपको स्वयं कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप केवल सरयू जी के जाने वाली सड़क पर सरयू की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, भीड़ धकेलते हुए अपने आप सरयू जी तक ले जाएगी। स्नान करके फिर इधर को मुंह करके खड़े हो जाइए राम जन्मभूमि की ओर, भीड़ फिर धकेलते हुए आपको ले आएगी। इतनी भीड़, जय दिन जा राम जन्म श्रुति गा वही, तीर्थ सकल कहां चले आवई। आज नौमी है, सारी अयोध्या में मंगल में वातावरण है, जरा नौमी तिथि को प्रणाम कर लें। नौमी तिथि मधुमास मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ
उचित मुहूर्त गुरु जी ने बताया है। कौशल्या मां 11 बजे से ही बैठी हैं अपने मंदिर में, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके भगवान का ध्यान कर रही हैं। और उधर सारी दुनिया के दिव्य संत अयोध्या की परिक्रमा कर रहे हैं, पंचकोसी, 14 कोसी, 15 कोसी, रामकोट की चारों ओर जय जयकार हो रही है। देवचरा के पंडाल में भी श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। घड़ी में 11:30 बज गए, श्री राम जय राम जय जय राम, घड़ी में 12:45 बज गए, श्री राम जय राम जय जय राम। 14 कोसी परिक्रमा में, श्री राम जय राम जय जय राम, पंचकोसी परिक्रमा में, श्री राम जय राम जय जय राम, रामकोट की परिक्रमा में, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही 12 का घंटा बजा, टन 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 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। इतना दिव्य स्वरूप चतुर्भुज नारायण का भगवान प्रकट हुए। मां को हाथ जोड़े माने और थोड़ा सा उदास हो गई, स्तुति करने लगी, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं थी, उदासी थी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला भगवान ने स्तुति करती हुई मां को देखा कि मां उदास है। मां ने भगवान ने कहा उदास क्यों हो गई? मां ने कहा कि मैं तो चाहती थी कि आप मेरे बच्चे बनकर आए, लेकिन आप तो बाप बनकर आए। मां ने भगवान ने कहा नहीं, बेटा बनकर आए हूं। बोले हमारे यहां इतने बड़े बेटे नहीं होते, छोटे से बेटे होते हैं गोदी में, और 4 हाथ के नहीं होते, फिर 2 हाथ के होते हैं। थोड़ा रूप परिवर्तित करिए प्रभु, क्या करूं? बोले 2 हाथ छोड़ दीजिए और छोटे हो जाइए। माता पुनि बोली सोमति डोली, अजब उतात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुरूपा। राम 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 रज राम 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 रज राम 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 रज राम राम राम। भगवान के 2 हाथ गायब, छोटे हो रहे हैं। कितना छोटा हूं? इतना इतना इतना। मां कह रही और छोटे और छोटे और छोटे। भगवान ने कहा कितना छोटा? मां ने कहा जैसे गर्भ का ताजा ताजा बच्चा मां की गोदी में आता है, ऐसे आ जाओ। भगवान बिल्कुल वैसे हो गए। अब ठीक है मां? मां ने कहा अभी ठीक नहीं है, बातें तो अभी भी बना रहे हो। अगर बुआ गोदी में लेगी तो आप पूछोगे हेलो बुआ जी हाउ आर यू, तो बुआ फेंक देगी, ओ बालक बोलता है। फिर क्या करना है? बोले केवल रोना। अब देखिए अंतर देखिए, कौशल्या मैया कह रही है रो, और देवकी मैया ने क्या कहा? देवकी मैया ने कहा रोना मत प्रभु, मामा आ जाएगा तलवार लेके, कंस आ जाएगा, यशोदा के यहां जाके रोना। भगवान तो मां के अधीन है, जैसा मां कहेगी। इसलिए जो माताएं लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं उनकी इतनी सिद्धि होती है कि जो भी अपने भगवान से कहती हैं भगवान तुरंत उनकी बात, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान तो भक्त के अधीन में। जैसे ही माने का रोइए, सुनि बचन सुजाना रोगन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, चरित देखावही हरि पद पावही, तेरा परही भव सूपा। राम 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 रज राम 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 रज राम राम रज राम राम राम। बरस रहा है। दशरथ जी जात कर्म संस्कार करवा रहे। मैं एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब बच्चे का जन्म होता है जितनी देर बच्चे की नाभि की नाल मां की गर्भनाल से जुड़ी रहती है, जब तक दाई उसको काट के अलग नहीं करती तब तक घर में सूतक प्रारंभ नहीं होता। वो समय दुनिया का सबसे पवित्र समय होता है। उसको उस समय 16 संस्कारों में से एक जात कर्म संस्कार होता है। उस समय बच्चे का कोई भी संबंधी यदि
बच्चे के नाम से कोई दान का या सत्कर्म का संकल्प करता है तो उसका फल उस बच्चे को करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का संकल्प किया था, लेकिन राजा दशरथ तो सम्राट है, उन्होंने मोदी जी की तरह संकल्प किया कि कोई भी गरीब को रोटी कपड़ा मकान जो भी आवश्यकता होगी सबकी आवश्यकता पूरी की जाएगी जो मांगे। ये बहुत बड़ा संकल्प था। आप लोग भी यहां बैठे हैं, आज मंगलवार है, राम जी का जन्म भी अयोध्या में मंगलवार को हुआ था। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी कोई ना कोई मन में शुभ संकल्प करिए, और सबसे बड़ा शुभ संकल्प यह हो सकता है कि आज सबसे ज्यादा समस्या गौवंश पर है, आप ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि जो भी गौशाला आपके परिचय में हो वहां, मैं ज्यादा बड़ी सेवा नहीं कह रहा हूं, एक सेवा मेरे कहने से शुरू कर दें कि जिस दिन आपके घर में किसी का जन्मदिन हो, जिस दिन मैरिज एनिवर्सरी हो, जिस दिन किसी पितर की पुण्यतिथि हो, उस दिन आप तमाम केक वेक काटने में पार्टी करने में खर्चा करते हैं, अपने बच्चों को अपने पितरों को प्रसन्न करने को अपनी शादी की पार्टी बनाने को आप सवा मन दलिये का संकल्प करें। सवा मन उसको कहते हैं सवा मनी करना, वो देवताओं की सवा मनी होगी, गौ में सब देवता है। सवा मन दलिया बनवाइए, थोड़ा सा घी थोड़ा सा गुड़ उसमें डलवा के उसको पानी में पकवा दीजिए, वो 2.5 क्विंटल हो जाएगा। 2.5 क्विंटल दलिया, अगर 250 गाय भी होंगी, एक एक गाय को एक एक किलो भी मिलेगा, तो इतना आशीर्वाद देंगे कि आपका बहुत पुण्य हो जाएगा। आपके द्वारा गौवंश की सेवा बढ़े, प्रत्येक मंदिर पर पत्थर के नंदी तो रखे हैं, असली नंदी भी 2-3 रहे तो और आनंद हो जाए, ऐसा संकल्प आप करें आज के दिन। इतना कहते हुए थोड़ी देर में भरत जी का समाचार, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का, 4-4 पुत्रों के किलकारी से पूरे महल की दीवारें धन्य हो गई हैं। अब सब बधाई गा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहां आपको एक भी पाई नहीं चढ़ानी है, बधाई में यहां कोई पाई नहीं चढ़ानी। जो मैंने आपसे कहा है गौ वंश की सेवा को, गौ भक्ति को अगर आप बढ़ा सकें और अपने जीवन में गौ व्रति होने का संकल्प कर सकें, क्योंकि एटो मिल्क है सबसे ज्यादा गुणकारी दूध देशी गाय का है। अगर आप ये संकल्प कर लें कि हम भैंस का नहीं पिएंगे गाय का ही पिएंगे, तो ये सबसे बड़ी मैं समझूंगा मुझे आपने दक्षिणा प्रदान की, बधाई प्रदान की। अब प्रेम से राम जन्म की एक बधाई गाएंगे बड़े भाव से हम लोग, और सब लोग ताली बजाकर। राम लाला प्रकट भए आज अवध में लड़ुआ बटे, राम लाला प्रकट भए आज अवध में लड़ुआ बटे, सारो भैया प्रकट भए आज अवध में लड़ुआ बटे, सारो भैया प्रकट भए आज अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे से, बिसौली से, चंदौसी से, सब जगह से भक्तगण, और यहाँ आपके माननीय कैबिनेट मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल जी पधारे हैं, आपके माननीय सांसद जी श्री धर्मेंद्र कश्यप जी पधारे हैं, और आपके पप्पू भरतौल जी तो साक्षात भरत जी के ही रूप हमको दिखाई पड़ते हैं, तो ये सबको बधाई है बड़े भाव से। बंदन बार बधाओ मेरी लाली, बंदन बार बधाओ मेरी लाली, पर्दे लगाओ जरीदा अवध में लड़ुआ बटे, और पर्दे लगाओ जरीदा अवध में लड़ुआ बटे, राम लाला प्रकट भए आज अवध में लड़ुआ बटे, राम लाला प्रकट भए आज अवध में लड़ुआ बटे। लड़का होने की सबसे ज्यादा खुशी माताओं को होती है, पीछे 2 भाई तो नाच रहे हैं लेकिन मैया एकौ नहीं। आपके घर में लड़का होता है तो क्या बजाती हैं? थाली। और लड़की पे क्या बजाती हैं?
अगर घर में लड़की हो जाए तो बुआ का और दादी का चेहरा देखो, हनुमान जी जैसा हो जाता हूं। कोई पूछे का भाव, अरे हर बच्चा भाग लेकर आता है। आप देखिए, जब से आपके विधायक जी ने वो 6 फीट जमीन में नीचे दबी हुई बच्ची को प्राण रक्षा करके और उसको पालन किया, तब से उन्होंने बताया कि जो भी उसका हम सुमिरन करके जाते हैं वही काम पूर्ण होता है। बेटियों में तो इतना भाग्य, वो तो साक्षात देवियां हैं। इसलिए लड़का हो या लड़की, सबके जन्म पर खुशी मनाइए। गाइए, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई सुमित्रा, कौन पुण्य करे आई सुमित्रा, गोद में आए भगवान अवध में लड़ुआ फटे, इनकी गोद में आए भगवान अवध में लड़ुआ फटे। अच्छा, मन तो कर रहा है सबका खड़े होके, जरा खड़े होके बायां पैर दाईं ओर, दायां पैर बाईं ओर, जरा ताली बजाते हुए जरा झूम के गा लीजिए। सब खड़े हो जाइए। लड्डू कचौड़ी खीर पुआ, लड्डू कचौड़ी
की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, भारत वर्ष अखंड हो। जोर से अखंड हो बोलो, भारत वर्ष अखंड हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय श्री पप्पू बरतोल जी भाई सबसे कहूंगा कि सबको बधाई दें और आगे के कार्यक्रम का जैसा भी हो। क्रम में मैं सर्वप्रथम श्रीमान माननीय धर्मपाल सिंह जी पूर्व मंत्री, जो आंवला के माननीय विधायक जी भी हैं और जिनके सानिध्य में ये राम कथा का आयोजन हो रहा है, ऐसे आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का आपको बहुत स्नेह और माननीय आदरणीय इस क्षेत्र की शान आंवला सांसद श्रीमान धर्मेंद्र कश्यप जी को भी, जिला अध्यक्ष जी भी, आंवला जो जिला है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से श्रीमान वीर सिंह जी पाल हम सबके बीच उपस्थित हैं, श्रीमान हर्षवर्धन जी आर्य आप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं वृत्त क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो महाराज जी से जाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। मंच पर व्यासपीठ पर सुशोभित श्रद्धेय अतुल कृष्ण जी महाराज और आज जो मेरे बाई ओर खड़े हैं बिथरी चैनपुर विधानसभा के माननीय विधायक राजेश मिश्रा जी उर्फ पप्पू बरतोल, मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ, मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। सच में इन्होंने जो कथा के सागर में हम लोगों को गोते लगाने का जो अवसर दिया, भाई पप्पू बरतोल बधाई के पात्र हैं। ऐसे श्रेष्ठ कथाकार को जो वास्तव में इनकी कथा सुनकर, मैं बाद में कुछ बताऊंगा, एक और हमारे सम्मानित मंच पर आंवला लोकसभा के यशस्वी सांसद माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी भी विराजित हैं मंच पर, सभी श्रेष्ठ जन और मेरे सामने बैठे सभी श्रोतागण मातृशक्ति। जब से मैं कथा में आया, मैं आज अपना अनुभव बताता हूं। हम लोग तय करके आए थे सुबह कि महाराज जी की कथा सुनेंगे, हमने चेयरमैन आंवला को कहा, महामंत्री को कहा, प्रभाकर और इन सारे लोगों को कहा, फिर अपने बेटे यशवंत को भी फोन किया कि तुम भी कथा सुनने आओ। हमें पता नहीं था कि महाराज जी इफ्को में हैं। इफ्को में हम थोड़ी देर चाय पीने गए थे कि चाय पियेंगे, इसके बाद कुछ बातचीत करेंगे, तब जाएंगे। महाराज जी विराजित थे और खागी महाराज जी को मैं भूल गया, मैं क्षमा चाहूंगा, ये भी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूं। तो जैसे ही मैंने महाराज जी को देखा, प्रणाम किया, आप खड़े हुए, मैंने चरण स्पर्श किया, बोले मैं आपकी गाड़ी में बैठकर चलूंगा। मैंने कहा मैं तो कथा सुनने आया हूं, मुझे कुछ खाने का मन था, मैं आपकी गाड़ी में वार्तालाप करते सत्संग का आनंद लेते आ गया। फिर यहाँ चाय के स्थान पर मुझे फल मिला और वो फल मैंने इसी मंच पर बैठ के खाया। जब मैं फल खा रहा था तो इस कथा मंच के पीछे जो एक पर्दा टंगा है, ये बहुत महत्व का पर्दा है, इस पर भगवान शंकर का चित्र है, इस पर राम और लक्ष्मण का चित्र है, इस पर हनुमान जी का चित्र है। आज श्रद्धेय अतुल कृष्ण जी महाराज ने जो कथा कही है, वास्तव में जहां जल है वहां शिव है और जहां शिव है वहां कल्याण है, तो इस कथा से हम सबका बहुत कल्याण है। और नदियों की पवित्रता के बारे में व्यवहारिकता कहाँ आती है, कहाँ टपकती है, मैं
आदरणीय अतुल कृष्ण महाराज जी को बार बार वंदन और नमन करता हूँ। आपने अपनी कथा से हमारे क्षेत्रवासियों को धन्य करने का काम किया है। आप सब की ओर से भी मैं और अपने पप्पू भड़तौल की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपके अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि प्रभु श्री राम का जीवन, आज उनका जन्म हुआ है, लेकिन उनका पूरी जब आप कथा सुनेंगे, प्रभु श्री राम का जीवन नदियों के किनारे ही व्यतीत हुआ। वनवास से लेकर रावण के वध तक मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेकर एक नदी, जो नदियां विलुप्त हो रही हैं, महाराज जी ने जो अपनी कथा में आप लोगों को संदेश देने का काम किया है, हम सबको कथा का अमृत दिया है, इसके लिए बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। भाई राजेश जी को बहुत नमस्कार और उनको प्रणाम। इस क्षेत्र की शान आंवला सांसद आदरणीय श्रीमान धर्मेंद्र कश्यप जी को कि वो आए और श्रद्धेय बाबू जी के संबंध में अपने कुछ संस्मरण। ज्ञान सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व राज्यपाल राजस्थान जी के स्मृति में इस कथा का आयोजन कर रहे आदरणीय महाराज अतुल राय जी, राम की कथा हमने सुना और महाराज जी को हमें कहीं जाना था, हमने सोचा था हम आएंगे और उपस्थिति दर्ज करा करके चले जाएंगे। बार बार हमारिया जी से कह रहे, विधायक जी से कह रहे थे, हमारा दूसरा एक कार्यक्रम बरेली में लगा था, लेकिन कथा में इतने लीन हो गए उस कार्यक्रम को भी छोड़ दिया। तब किसी विद्वान ने कहा कि हमारे न रहने के बाद, हमारे न रहने के बाद लोग हमें याद करें तो या तो ऐसे साहित्य लिख जाएं जिन्हें लोग पढ़ें, या ऐसे कृत कर जाएं जिन्हें लोग याद करें। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की स्मृति में। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एक ही उद्देश्य गीता प्रेस का पहले दिन से आज तक, और वो है लोगों के जीवन में शांति उतरे, सत्य उतरे, और ये तभी उतरता है जब हम परमात्मा से जुड़े। तो गीता प्रेस का प्रत्येक साहित्य कहीं ना कहीं हमको परमात्मा से जोड़ता है। हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक केवल सुभारती चैनल पर।